أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطعا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا آمنت بالله صدق الله रहीम अस्सलाम वालेकुम। उफ दिन कैसे गुजर रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता। आई थिंक नवा रोज़ा है आज, नवा रोज़ा है, आठ गुजर गए, नवा रोज़ा है आज, नवा है दिलशाद साहब, नवा रोज़ा है आज, क्या बात है, आज नवा रोज़ा हो गया और दिन ऐसे पर लगा के उड़े हैं, यूँ लगता है कि जैसे अभी कल ही की बात है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एक अजीब सी फीलिंग आपको बताऊं अपनी, मुझे पता नहीं डॉक्टर ज़ार देख रहे हैं या नहीं देख रहे। डॉक मैंने दो मरतबा कॉल किया, ये कैटेगोरिकली यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं दो मरतबा कॉल किया, यू डिडंट पिक अप, आई लव यू एंड आई मिस यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट, आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग मी और नॉट, बट इफ यू आर आई लव यू एंड यू आर माई ब्रदर मैन, यू आर माई ब्रदर एंड आई जस्ट कांट वेट टू सी यू व्हेन यू कम हेयर। बट नॉनदलेस हम बात कर रहे थे, ऐसे मुझे डॉक्टर साहब याद आ गए, अक्सर मौके पर ना मुझे डॉक्टर साहब बड़े याद आते हैं और आपकी मुलाकात मैं करवाऊँगा, आप देखेंगे कि वो एक बड़े उर्दू का एक लफ्ज़ है मरंजा मरंज किस्म के आदमी हैं, वो वाकई वो ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। आपा आ जाइए, आप तशरीफ़ ले आइए और आपा सामने से गुजर जाएँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई सब लाइव शो है, कुछ नहीं हो जाता है, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। तो जनाब बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बात पर जाएँ, मैं आपको वक्तन फ़क्तन रिमाइंड करवाता रहूँगा कि नीचे अभी एक पट्टी चलने लगेगी जिस पर लिखा होगा कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है यहाँ आने के लिए तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया हुआ होगा, उस नंबर पे आप हमें कॉल करें और रजिस्टर करवाएं अपने आप को। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचें तो वो दो बजे तक आप पहुँच जाएं ताकि हम आपको बिठा सकें। होता क्या है कि कुछ लोग पाँच बजे आते हैं, कुछ लोग सात बजे आते हैं, कुछ लोग
सॉरी 5 बजे आते हैं, कुछ लोग 4 बजे आते हैं, तो फिर हमारे लिए ज़रा सा मसला हो जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर, ये नंबर है 03168223608, ये नंबर है, इस पे आप हमें कॉल करें, बोल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बेशुमार प्राइजेज़ हैं जो हम आपको देने जाएंगे, वो भी लीजिए, साथ साथ हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें शामिल होकर हमारी नियतों में हमारा साथ दें। एंड आई होप एंड प्रे दैट यू इन्जॉय द ट्रांसमिशन एज वेल। तो आइए बात करते हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपा का माइक आ रहा है? प्रॉपर आ रहा है ना माइक? अच्छा, मुझे डॉक्टर आपा, आज जो बात हो रही है वो बात हो रही है मोहब्बत के फवाइद की। आज हमारी दुनिया में जो सबसे कमी है जिस चीज़ की, वो मोहब्बत की है। सही बात है। लेट असाइड कि उसके हम फ़ायदों के बारे में बात करें। अच्छा, आई विश कि आप हमें कॉल करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारे पास अभी भी वो फैसिलिटी मौजूद है कि हम आपके कॉल्स को ले सकें। बट एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे इंस्टा पर जा सकते हैं, आप हमारी फेसबुक पर जा सकते हैं, जाके अपने मैसेजेस छोड़ें और मेरे नाम से छोड़ें, ताकि मैं उनको पढ़ सकूं यहां और आपको जवाब दे सकूं। हम ट्राई कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं अगले एक दो दिन में, अगर हमारे पास ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स दे सकें, जो बात इंटरेक्टिवली हो सकेगी। और मैं चाहता हूँ कि इन सवालात पे आप मुझे जवाब दें, ताकि कोई बहस तो खुले, कोई चीज़ तो हो। जैसे हमारे दिलशाद साहब हैं, अब इन्होंने छुपाया हुआ है, एक शादी है और करीबन 3 मोहब्बतें हैं। जब जब मतलब इनको वक्त मिलता है, ये मोहब्बत करने लगते हैं। तो वैसे भी हमारे आप क्यों हाथ क्यों जोड़ रहे हैं मेरे साथ? दिलशाद भाई, क्या हुआ आपको? यहाँ आ जाइए, तशरीफ़ लाएँ, माइक लेके आ जाएँ, माइक लेके। दिलशाद भाई को वापसी में घर पर जाना है। तो मैंने कब कहा कि ये घर नहीं जाए? अब मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि अगर या तो मोहब्बत करो मत या फिर डरो मत। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ है ना। दिलशाद साहब, यहाँ तशरीफ लाइए, इधर लाइए, इधर तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप? हाँ, माइक खोलिए ज़रा इनका। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताते क्यों नहीं आप? घर पे बता तो दें, आगे एक मसला हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप इस तरफ मुँह करके मत हंसें। एक तो सारा वक्त आप ख्वातीन के झुरमुट में रहते हैं, ये भी एक अजीब सी। क्या कर रहा हूँ मैं भाई? मैं अब आप चाहते हैं, देखें आप दोस्त हैं हमारे। जी तो बताइए, आप आज इकरार कीजिए मोहब्बत के फवाइद के बारे में। मोहब्बत भाई जिंदगी में, वो भी हंस रहे हैं पीछे बैठ के, एक ही दफा मोहब्बत होती है आदमी। जी अब आप खेलेंगे, कवर खेलेंगे, आप जितना कवर खेल सकते हैं उतना खेलें। खेलिए खेलिए, बताइए। मैंने माँ से प्यार किया, माँ के बाद पहले सबसे पहले मट्टी से प्यार किया, पाकिस्तान से प्यार किया, पाकिस्तान के बाद आँख खोली तो माँ से प्यार किया। आ जाए, आ जाए माँ से। तो आप भी रबाब आ जाइए, आप क्यों बैठी हैं? माँ माइक ले लीजिए, आ जाइए आप भी। माँ के बाद आपने प्यार किया तो फिर? अपनी बीवी से। जी सुभान अल्लाह, कब? मतलब शादी हुई, शादी हुई, शादी के बाद ही बेगम से इंसान प्यार कर सकता है, उससे पहले कहाँ प्यार कर सकता? शादी के बाद ही। जी बस वो पहली और आखिरी मोहब्बत है भाई। क्यों, उसके बाद क्या हुआ? मतलब पहली आखिरी मोहब्बत क्यों? इस वजह अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं की आपने? नहीं, औलाद से तो है मोहब्बत, तो लग नहीं रहा ना। मतलब आप क्या, आप बताइए तो सही कि औलाद से मोहब्बत है? नहीं, बीवी की बात हो रही थी कि बीवी तो घबरा कर मोहब्बत कर रहा है। जी जी, डर क्यों रहे हो हैं भाई? डरे तो मत। एक डिस्क्लेमर और बता दूं, ये हमारे साथ नहीं होते इफ्तार के बाद। दिलशाद भाई बहुत अच्छे आदमी, बड़े अच्छे दिल के हैं और हम लोगों के साथ बहुत अच्छे थे। जी जी, मैं तो डाके मारता हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मतलब आप कह रहे हैं दिलशाद भाई बहुत अच्छे दिल के, मैं शायद जाके बैंकों में चोरियां करता हूँ। साहिर भाई, मुझे नहीं भाई, उनके घर के भी हालात ठीक रखने हैं। किन के? दिलशाद भाई के ना? कुछ भी नहीं होता, ये भाभी को भी पता है, ये इनको भी पता है, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इनकी जो बेगम है वो मेरी बहन है, इनको बहुत अच्छी तरह से पता है, इन दोनों से मेरी मोहब्बत का रिश्ता है। ये दोनों बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत मोहब्बत, भाई की मोहब्बत है वाकई। एक और हमारे यहाँ यार बेगम, अब जैसा भी शोहर हो उन्हें गुजारा तो करना होता है, कोई इसमें क्या है, इसमें क्या, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, वो नुमान नहीं बैठा हुआ यहाँ, देख लो उसको, कल वो चुप था एकदम बिल्कुल ना। हमने उससे पूछा कि भाई घर में किसकी चलती है, तो हल्की सी आवाज़ में कह रहा मेरी। अब किसी को भी यकीन नहीं आया इस जगह ना, किसी को भी, एक आदमी को यकीन नहीं आया, तमाम लोग हंसने लगे। तो ऐसा होता नहीं। आप मोहब्बत के फवाइद बताएं, फिर मैं इन लोगों की तरफ आता हूँ। आपके इस हुस्न का राज भी आज जानेंगे, ये जो आपकी त्वचा इतनी खूबसूरत लगती है, इसकी क्या वजह है? भाई हिंदी का लफ्ज़ है, शुद्ध हिंदी का लफ्ज़ है, त्वचा इतनी खूबसूरत लगती है, तो आप इसकी इस कदर चमक कैसे आ जाती है आपके चेहरे पर? अब आप शरारत खुद कर रहे हैं।
अब अच्छा हमने कुछ नहीं कहा ना, मैं सलमान से सवाल कर रहा हूँ तो हल्के से कह रहे हैं भाभी का कमाल है। मतलब क्यों जी, आप बताइए मोहब्बत के बारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जहादे ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मोहब्बत वो उनसर है कि जिसने इस पूरी कायनात को अपने नूर से ढांप रखा है। लेकिन आपा इसके साथ ये नहीं है, इसके साथ उन्होंने कहा यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। खाली मोहब्बत नहीं है, खाली मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल सही, अमल और यकीन दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, अमल और यकीन दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन मोहब्बत वो उनसर है कि जिसने पूरी कायनात को अपने नूर से ढाँप रखा है। और जबकि हम जब इस कायनात कई लोगों को तीन चार मरतबा नूर से ढाँपा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, इतना नूर आ जाता है उनके चेहरे पर कि बेचारे नूर ही नूर करते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं नूर कहाँ है। अब आप सलमान की तरफ देख के कह रहे हैं? नहीं नहीं मैं अच्छा आपा, मैंने बिल्कुल सलमान की तरफ नहीं देखा है, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं अब देखता हूँ। हाँ भाई नूर ठीक हो? अच्छा जी आपा, सॉरी। देखिए मोहब्बत की बहुत सारी अकसाम होती हैं। हाँ। और जैसा कि आपने भी दिलशाद भाई से कहा कि सबसे पहले मादरे वतन से मोहब्बत हुआ करती है, मादरे दरसगाह से मोहब्बत हुआ करती है, उसके अलावा अपनी माँ वालदैन से मोहब्बत हुआ करती है, उसके अलावा अपने बहन भाइयों से मोहब्बत हुआ करती है। तो बहुत सारी मोहब्बतें आपके इर्द गिर्द चला करती हैं, और जिन मोहब्बतों के महवर में आप रहा करते हैं तो वो मोहब्बतें जो हैं ज़िंदगी में आपके लिए दस्तराज बनती हैं, और आप उन मोहब्बतों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की मनाजिल को तय करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मोहब्बत ना हो तो कायनात में कुछ भी नहीं है। सुभानअल्लाह, वेरी नाइस जी सर। सलमान साहब, मोहब्बत ना हो तो क्या मोहब्बत में कुछ नहीं, कायनात में कुछ नहीं? एग्जैक्टली यही बात है। जब खुदा अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, वो शारक से करीब है और वो इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से, तो कायनात में तो सबसे पहले मोहब्बत ही है, उसके बाद फिर अमलन है, फिर एक, जो एक, एक मिनट भाई, ज़रा वुजू का पानी मंगवा लें। मंगवा लीजिए, मैं इस महफिल में ऐसे बैठ नहीं सकता। अल्लामा सलमान जो है वो इस वक्त बयान फरमा रहे हैं, मैं मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं वुजू करके आ जाऊँ, क्योंकि आपसे ये जसारत तो मैं कर नहीं सकता, मैं बेवुजू होकर बैठ जाऊँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। जी इरशाद। तो कायनात में सबसे पहली चीज़ ही मोहब्बत है। जी जी, हमने आंखें खोली तो हमने माँ के बाद बाप के बाद एक ही नाम सुना, वो है हुजूर अस्सलातुस्सलाम। हम कौन लोग थे आप? सारे मुसलमान हैं। हमारे मोहब्बत का तो दर्जा ये है कि हमने हुजूर का ना देखा और ना सुना, लेकिन हमें उनसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आज हम उन्हीं की सनाखानी कर रहे हैं, तो ये एक मोहब्बत का उज़्र है। अच्छा खैर, मैं वो बात तो करी नहीं, वहाँ तो मैं जा ही नहीं रहा ना, वो तो मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ना, मुझे एक जुमला है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब मैं मोहम्मद तुमको सबसे प्यारा ना हो जाऊँ। वाह, मैं कसम खा के कहता हूँ आपा, ये जुमला मुझे अब समझ आया। मैं पहले भी हुजूर से बढ़ के कुछ नहीं, बिल्कुल, लेकिन अब मेरे अमल से ये साबित हो चुका है। मैं खुद बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, उनसे पहले और उनके बाद वो बिल्कुल अलग कोई नहीं। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। Me.
सुनत जमी उख सालही ये कुरान पाक है बरमला कमाल हुस्न मोहम्मदी के हर एक पे जश्न करम हुई के हर एक पे जश्न करम हुई के हर एक जश्न करम हुई ये कमाल हक के मोहम्मदी के हर एक पे जश्न करम हुई सरे हश्र नारे उम्मती सरे हश्र नारे उम्मती हसनत जमी उखसाल ही सरे हश्र नारे उम्मती जमी उखसाल ही और मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी सल्लो अलैहि वालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि गुलाब कमाल ही कोई हद है ये कोई हद है हद है अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा है। ये जब कहते हैं ना सर ला मकां से सुए मुंतहा वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की। अब वो उरूज क्या है? जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ मेरे नबी जाते हैं। जहाँ कोई नहीं जा सकता, जहाँ जिब्रील ये कहते हैं कि यहाँ से मेरे पर जल जाएंगे बेशक, तो आप खुद सोच के देखिए हम उसकी उम्मत हैं। वो सरबरे कौनैन, मैं अभी ये जो आप लोग पढ़ रहे थे तो मैं जेन्युइनली मदीने में था सुभान अल्लाह, और मैं जेन्युइनली ये सोच रहा था काश वो एक नात है काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन हुआ अगर मैं उनका दीदार कर लूँ। मैं आपको ये जुमला दुनिया का कोई और शख्स नहीं समझ सकता सिवाय उसके जो ये जुमला दिल से बोल रहा है बेशक। और ये मेरी कैफियत नहीं है, ये जो वेस्ट हमसे डरता है ना वो इस बात से खौफजदा नहीं है कि हम साइंस में बड़े तेज़ हैं, वो इस बात से खौफजदा नहीं है कि हम ये हम चाहे कैसे भी हों लेकिन वो हमारे यकीन से ज़रूर खौफजदा है। उसे ये पता है ये जो जान है ना ये जब हम पैदा होते हैं तभी नबी के नाम रख के आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो जान है ना इन जानों की परवाह नहीं है सुभान अल्लाह। ये जान तो आनी जानी चीज़ है, हम आज हैं हम कल नहीं होंगे। वो एक ने कहा था ना कि ये दी मुस्लिम दे आर क्रेजी अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये दीवाने इनके। माइक खोल दीजिए इनका माइक खोल जी बोलिए। तो
वो किसी अंग्रेज़ ने कहा था कि ये मुसलमान दे आर क्रेजी अबाउट देयर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये उनके लिए जान निछावर कर देते हैं। मैं आज ये भी बात क्लियर कर दूं भाई, टू ऑल द पीपल हु लिसनिंग टू मी राइट नाउ, वी डोंट जस्ट रिस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वी रिस्पेक्ट एवरी सिंगल प्रॉफिट दैट हैज कम। दिस इज इन आवर रिलीजन, या इट्स एम्बेडेड इन आवर रिलीजन, दिस इज आवर बिलीफ। 1,24,000 prophets came and we have to respect each and every one of them. Inshallah. This is not just about, yes, we believe that Prophet Muhammad is the last prophet, we believe that. We believe that. And we respect everyone. Yes. And this is the teachings by my Prophet Muhammad. If you believe in me, you have to believe in them as well. Yes, दुनिया का कोई मजहब आपको इकट्ठा होने के लिए नहीं कहता सिवाय इस्लाम के। सुभान अल्लाह। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ और इंतहाई अदब के साथ। आप मुझे बताइए तो, और हर एक मजहब जो है वो उतना ही खूबसूरत है जितना उसे होना चाहिए। आफाकी मजहब जो हैं, मजाहिब जो हैं, उनके अंदर अगर हम पुराने टेस्टमेंट्स पर चले जाएँ और नए टेस्टमेंट पर चले जाएँ तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन लोग हैं। कुरान करीम वो किताब है जिसका ओरिजिन क्या है? आसमान है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हेन वी से दैट वी लव प्रॉफिट मोहम्मद, वी आर एब्सोल्युटली राइट, वी लव प्रॉफिट मोहम्मद। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर हम दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम की उनसे मोहब्बत ना करें या उनकी तादीम और तकरीम, उनकी तादीम तकरीम में। ये मेरे रिलीजन, और इस्लाम ने तो ये भी सिखा दिया, कोई अरबी किसी अजमी से, अब अरब में मुसलमान शायद रहते होंगे, हो सकता है अजम में ना रहते हो, कोई बदू किसी गैर बदू से, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फोकियत नहीं। Exactly. हम सब बराबर हैं एज ह्यूमन बींग्स। जब अल्लाह ताला की बारगाह में जाएंगे Then it's his decision. वो जो decide करें वो उनका decision। मौलाना शहरयार दाऊद साहब मोहब्बत के फवायद इसके बारे में बात कर रहे थे, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। लाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। कोई फिक्की है इसमें? उस तरफ वाली, चलो सर ये वाली फिक्की, सर ये लीजिए, नहीं सर ये कॉफ़ी है, ये आपा की। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। मोहब्बत के फवायद बहुत सारे हैं जी, ये ले जाओ बेटा। मोहब्बत के बहुत सारे फवायद हैं क्योंकि जब मोहब्बत जो है ना एक कैफियत है, एक जज्बा है। हाँ। और जब ये पैदा होता है ना तो ये इंसान की तबीयत पर मस्बत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स असरात लाता है, उसके दिमाग की कैफियत भी अच्छी हो जाती है, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें अच्छी हो जाती हैं, उसकी बॉडी पे बड़ा अच्छा असर आता है, उसके मिजाज पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मोहब्बत, मुतलकन मोहब्बत की बात हो रही है, वालदैन की हो सकती है, बीवी बच्चों की हो सकती है, काम की हो सकती है, बहुत सारी मोहब्बतें हो सकती हैं, वतन से हो सकती है, लोगों से, अपने सोसाइटी से हो सकती है। तो ये जो मोहब्बत का एक जज्बा होता है ना, जज्बा है या एक कैफियत है, ये इंसान के जिस्म में बड़े मस्बत असरात पैदा करती है। इसके बरअक्स नफ़रत है, जब बंदे में खुदा ना खुदा नफ़रत आती है तो वो सारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती है, वो उसकी खुश मिजाजी जो है ना खुश्क मिजाजी में तब्दील हो जाती है। खुश्क मिजाजी या सर इसके फवायद क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। मुझे ब्रेक का इशारा है, ब्रेक के बाद फवायद बताइए कि यू नो ये जो हम कहते हैं ना कि मोहब्बत फ़ायदेमंद होती है, कैसे फ़ायदेमंद होती है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अच्छा सबसे आला आला हमारा नबी
सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। वो होता है ना, कभी कभी आप कहीं और होते हैं, सुभान अल्लाह, तो आप पढ़ रहे थे, मैं ये भी सुन रहा था, और साथ साथ मेरे जहन में नात के दो अशार गर्दिश कर रहे थे, कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर, वाह सुभान अल्लाह, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम। तूने जर्रे को देखा तो जर कत्र कर दिया, तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम, कमली वाले में कुर्मा तेरी शान पर, सब की बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरा काम। क्या कहने हैं बाबा। और उस पे भी सैयदा फातिमा तो ज़हरा पूछती हैं आपसे कि रोज़े महशर मैं आपको कहाँ देखूंगी, तो मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा का जवाब क्या है, मुख्तलिफ जगह बता के आप बिल्कुल एंड में फरमाते हैं, तो मुझे दोज़ख के दरवाजे पे आप मुझे देखिएगा कि मैं आखिरी शख्स को भी, आखिरी उम्मती को भी मैं बचा के ला रहा हूँ दोज़ख की आग से। सुभान अल्लाह। जिनके लिए ये पूरी दुनिया बनी, जिनके लिए सभी कुछ मुमकिन है, और ये दुनिया से मुराद ये सारे आलम क्रिएट किए गए, उन्होंने कहा मैं हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा मेरे नबी करीम। हम आज बात करते हैं, हमने मुल्क की ओनरशिप नहीं लेते, उन्होंने बनी नौ इंसान की ओनरशिप ली है। क्या कहने, हम आज अपने मुल्क की ओनरशिप नहीं लेते, सही बात, मोहब्बत की बात है ना, तो इससे बड़ी नबी से ज्यादा मोहब्बत किसने की है आपसे, या रब ने की या नबी ने की है, उसने ओनरशिप ली है। कितनी बड़ी ओनरशिप की बात है ये कि कहीं भी ना पाओ तो वहां जो सबसे आखिरी मकाम है मैं वहां हूंगा, मीजान पे होऊंगा, जहां फैसले हो रहे हैं आप वहां होंगे। और हम एज उम्मती क्या देते हैं, हम कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, बट क्या वाकई मोहब्बत करते हैं, तोलते कम हैं, बोलते कम हैं, कहते कम हैं, सुनते कम हैं, हमारी आवाजें यहां से निकलती हैं, यहां से तो निकली नहीं, यहां से मैं हूं ना, आप इसको कभी सोच के देखिएगा, हम जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत के ये इससे बड़ी कोई मोहब्बत होगी जो सरवर कौनैन ने हमसे की है। और आप माफी के आलम देखें, माफी के मदारिज देखें, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपने लोगों को माफ नहीं फरमाया, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपने ये नहीं कहा कि तुम हिदायत में रहो। चेहरे भाई जी, आप अब जब बातें कर रहे थे और जब आप पर एक कैफियत तारी हुई तो आपने कहा ना कि मोहब्बत के फवायद क्या हैं, तो मोहब्बत के फवायद ये हैं, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत के फवायद ये हैं कि जब आपके दिल में अल्लाह अज़्ज़ वजल की मोहब्बत, उसके रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक समंदर छाठे मारता हुआ जो है ना, एक 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 आपको ऐसी बहरे बेकरां की तरह बेचैन कर देता है, जब आप अपनी मोहब्बत में एकदम
दीवाना वार मुझे यूं लग रहा था कि अभी उर्फ में कहते हैं ना कि यार शायद अभी आप गरेबान फाड़ लोगे उस मोहब्बत में, अभी आप खाक उठा के सर पे डाल लोगे उस मोहब्बत में। ये सब मोहब्बत की, इश्क की ये निशानियाँ हैं। वो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब इश्क इलाही कम पाया लोगों में और देखा यार सब दीन दीन की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि दीन सलामत हर कोई मंगे तो इश्क सलामत कोई हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। दीन सलामत हर कोई मंगे तो इश्क सलामत कोई हो, तो आज ते ये वेला आ गया है कि माल सलामत हर कोई मंगे, दीन सलामत कोई हो। इश्क तो बड़ी दूर हो गई, क्या बात। अब तो दीन की भी सलामती नहीं चाहिए, अब तो हमें चाहिए सिर्फ नोट चाहिए बस, जहां से भी आए। तो मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ने की अपने महबूब अलैहि सलाम से मोहब्बत, और महबूब के सदक़े में उसकी उम्मत क्या सारी अपनी इंसानों से बंदों से की। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आए हाय फरमाया कि मैं तुम्हें, ये हम इसको नेफा कहते हैं ना, हजार जहाँ हजार बंद, हदीस के अल्फाज में यूं आता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नेफों से पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के जहन्नम से निकाल रहा हूँ और तुम होके घुसते चले जा रहे हो। ये मोहब्बत की मिराज है सर, बिल्कुल है, कोई शक खत्म है इधर, कोई शक नहीं। हम गड़े में गिरे चले जा रहे हूँ अल्लाह ताला के हबीब अलैहि सलाम। अब यहाँ लेसन, हमने क्या लेसन दिया है? हम उस मोहब्बत, तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या अच्छा बोला शरीयत भाई। तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाक मुकद्दस लाल सुनावा दामन लगिया माला मैं तो तेरिया, दामन लगिया माला मैं तो तेरिया, मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरिया। सुन ले मेरा सवाल जी से बड़ी लाल, अब तो जीना महाल जी से बड़ी लाल, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। दिल है गोशा नशी नूरी महफिल मिले, दिल है गोशा नशी नूरी महफिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। बस्तियाँ ते सखी कर बुलंदी अता, बस्तियाँ ते सखी कर बुलंदी अता, लाल सुन ले मेरी वास्ता सैयदा, लाल सुन ले मेरी वास्ता सैयदा, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया,
मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरिया। सुन ले मेरा सवाल जी सहवड़ी लाल, अब तो जीना महाल जी सहवड़ी लाल। मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुझे उन लोगों में शुमार कर लें जो आपके सबसे बड़े मुद्दा हैं। ओहो नहीं, सबसे बड़ी मुद्दा मैं हूँ। अच्छा आप नंबर वन पे मैं हूँ। चलिए मैं, मुझे ये नहीं पता मैं कौन सा नंबर पे हूँ, लेकिन भाई अल्लाह ताला ने आपको जो आवाज दी है, क्या आवाज दी है, जो आपको फन दिया है। सुभान। अच्छा आप जो पढ़ रही थी तो मोहब्बत की बात थी, तो मुझे इकबाल याद आ गए। आप कहते हैं बंदा ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, बंदा ओ साहेब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फिर कहते हैं, फिर कहते हैं, मैं ये सोच रहा था, एक मंजर था अभी कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे और मैं वहां बैठा था, उन्होंने एक फ्रेम लिया था। आप एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज। ये मेरा रब है जो बंदों में डिफरेंस नहीं कर रहा है, जो कह रहा है मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूँ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यानी महमूद बादशाह भी एक ही सफ में है, अयाज उसका गुलाम भी एक ही सफ में है, जो देता है वो भी एक ही सफ में, जो देने वाला है लेने वाला है वो भी एक ही सफ के अंदर। तो इससे बड़े मोहब्बत के फवायद क्या होंगे कि मोहब्बत में तफरीक मिट जाती है इंसान से। बेशक बेशक। मोहब्बत में रंग नस्ल की हसब नसब की सारी तफरीक मिट जाती है। बहुत पहले एक शेर पढ़ा था, है तो मजाज का शेर लेकिन मुझे याद आ गया है कि मिट जाए मेरे नाम व नसब के सभी झगड़े। और ये मैं प्रॉफिट के लिए हमेशा सोचता हूँ, ये शेर जो है, मिट जाए मेरे नाम व नसब के सभी झगड़े, कहलाऊं तुम्हारा यही पहचान बहुत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे बढ़ के कोई और पहचान नहीं हो सकती कि मैं उम्मत मोहम्मदी में। अल्लाह ताला मुझे इस पर कायम रखे और हमेशा मुझे ईमान के साथ उठाए कि मिट जाए मेरे नाम व नसब के सभी झगड़े, कहलाऊं तुम्हारा यही पहचान बहुत है। क्या बात है। तो ये मोहब्बत के फवायद हैं, अगर हम इसको डेप्थ में जाके सोचेंगे तो जो अल्लाह मियाँ ने मोहब्बत की है आपसे, जो उसके नबी ने मोहब्बत की है आपसे, और जो कुछ उसकी वजह ये जो हम। अच्छा आगे चलें, मैं नॉर्मली ये बातें नहीं करता लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे आ रही हैं ये बातें ना। आगे चलिए, पुतला बन गया, जब जान डालने का वक्त आया तो अपना नूर उसमें डाल दिया। अल्लाह। और सोचिए नूर क्या है, खुदा, हर चीज उसके ज़हूर है। नूर उस्तामावाते वलाल डाल दिया। हैरतअंगेज बात क्या है, जिस्म जो खाक से तख्लीक किया था वो यहीं रह जाता है, रूह चली जाती है। वाह 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 वाह, रूह चली जाती है। बेशक। तो जहां जहां जो चीज है मेरा रब उसको वैसे 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 ठिकाने लगाता है। बेशक बेशक। और मोहब्बत का क्या आलम है, वो क्या फरमाता है, तुम बुरा सोचो और बुरा ना करो, मैं तुम्हें गुनाह नहीं दूंगा, गुनाह नहीं दूंगा, लेकिन तुम अच्छा सोचो और तुमसे हो ना पाए मैं तुम्हें सवाब दे दूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की नियत उसके अमल से। फिर इन्नमा आमालो बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर। अब इस पर एक शेर आता है, इरशाद, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वाह वाह वाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, सिर्फ मोहब्बत पे, मोहब्बत कर लो जन्नत मिलेगी। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अरे वाह क्या बात है, फिर बढ़िएगा। वाह 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 वाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सुभान। यहाँ पर मैं हजरत बैलूद दाना का वाक्य अर्ज करना जरूर चाहूँगा कि वो भी मोहब्बत का सौदा, कि खलीफा हारून रशीद की जौजा मोहतरमा बीबी जुबैदा खातून बड़ी नेक वलिया खातून थी। एक दिन दोनों मियाँ बीबी बग्गी में बैठे सैर के लिए निकले, तो कुछ दूर चले तो देखा तो बैलूद दाना जो मजलूब अल्लाह के वली बैठे हुए ना रेत की ढेरियाँ बना रहे हैं। बीबी साहब जानती थी अल्लाह वाले, गाड़ी रुकवाई, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, बाबा जी क्या कर रहे हो, फरमाया बेटा जन्नत के महल बना रहा हूँ। बाबा जी बेचोगे, हाँ हाँ बेचेंगे, कितने में, एक दिनार में। बाबा जी ये दिनार ने, उन्होंने एक लाइन खींची, दायरा बनाया, ये महल जुबैदा खातून जौजा खलीफा हारून रशीद का है। वो सुन के देख के जाके गाड़ी में बैठी,
मियाँ ने कहा क्या हुआ, बोला जन्नत का महल खरीद के आए जन्नत का महल बाबे से खरीद के आई है। खैर जी गाड़ी चल पड़ी, ख्वाब में रात को खलीफा क्या देखते हैं, जन्नत में घूम रहे हैं, बड़े आलीशान महलात हैं, एक महल के ऊपर लिखा हुआ है ये जुबैदा खातून खलीफा रशीद का महल है। ओहो मेरी बीवी का महल, अंदर जाने लगे रोक दिए गए। मैं मेरी बीवी का महल, बोला अपना महल तलाश करो, ये तुम्हारी बीवी का है तुम्हारा नहीं है, ये जन्नत है भाई अपना अपना। अच्छा जी ढूंढ रहे पूरी जन्नत ढूंढ के आ गए, नहीं मिला महल। आँख खुल गई, देखा जोजा नहीं है बिस्तर पर, वो तहज्जुद पढ़ रही, इंतजार किया जी यार मैंने अभी ऐसा सीन देखा है, मैं जन्नत में तो तुम्हारा महल देखा। हाँ मैंने आपको बताया था ना हमने दोपहर में कल खरीदा था। बोला मैं भी खरीदूंगा, खरीद लेना। ढूंढ रहे हैं बैलूल दाना सारा दिन, मिल ही नहीं रहे। वो जंगल के किनारे कहीं बैठे हुए मिले तो हजरत के पास पहुंचे, कहा हजरत साहब क्या कर रहे हो? वो ढेरियां बना रहे हैं। कहा जन्नत के महल बना रहा हूँ बादशाह। बोला बाबा जी बेचोगे? बोला बिल्कुल बेचेंगे। बोला कितने का? बोला अपनी सारी सल्तनत दे दो, हम कल एक दिनार में दिया आज सल्तनत मांग रहे हैं। फरमाया बेटा वो बिन देखे का सौदा था, तू देख कर आके सौदा था। वाह 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 वाह, वो बिन देखे का सौदा था। इसे कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। किताबों में लिखा है कि बादशाह अपनी पूरी सल्तनत देने के लिए राजी हो गया। आपने फरमाया अरे जा तेरी सल्तनत जो यहाँ पानी है, हम जन्नत के महल बेच रहे हैं, तेरी सल्तनत देके क्या करेंगे, ले ये महल तुझे अता किया। सुभान अल्लाह। अच्छा बचपन में अगर आप लोगों को याद हो अंग्रेजी में एक सबक था अबू बिन अदम, अबू बिन अदम बिल्कुल जी, पोएट्री थी, बड़ा पोएट्री कमाल थी। उसका वो पोएट्री है, और वो क्या पोएट्री है, वो ये है कि अबू बिन अदम ने देखा एक रोज़ रात को आँख खुली तो देखा एक फरिश्ता है और वो कुछ लिख रहा है। आपने पूछा क्या लिख रहे हो? फरिश्ते ने कहा मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ, उन 100 लोगों के जिनको अल्लाह बहुत पसंद करता है और वो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, पसंद करता है जिनको। तो आपने फरमाया मेरा नाम है? उन्होंने कहा नहीं इसमें तो नहीं है। कहा अच्छा फिर मेरा नाम उन लोगों में लिख लो जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। ले अच्छा लिख लेता हूँ। अगली रात को फिर दोबारा आँख खुली, देखा वही फरिश्ता लिख रहा है, दोबारा से एक लिस्ट बना रहा है। पूछा आज क्या लिख रहे हो? कहा कि आज मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो कल से लेकर आज तक खुदा को अजीज हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मेरा नाम है? तो कहने सबसे पहले लिखा तेरा नाम। वाह वाह वाह। ये मोहब्बत का फायदा है, जब आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इकबाल क्या कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। वरना अतात की तो बात छोड़ दीजिए, आपको पता है ना खाना काबा के एन वस्त में क्या है? बैतुल मामूर, बिल्कुल जहां खाना काबा है उसके ऊपर सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है। और ये बैतुल मामूर क्या है, इसके बारे में कहा जाता है 70,000 फरिश्ते रोजाना इसका तवाफ करते हैं, खरबों साल से ये सिलसिला जारी है और कोई फरिश्ता दोबारा नहीं आया इसका तवाफ करने, जो एक बार जिसको पैदा कर दिया गया उसने 70,000 फरिश्ते खरबों साल से जारी है। तो अल्लाह ताला को जब कोरोना में सारे लोग परेशान थे कि काबे नहीं, अल्लाह ताला का तवाफ कभी नहीं, अल्लाह ताला ने इसलिए इंसान को थोड़ी पैदा किया है, अल्लाह ताला को वो अल्लाह मियाँ हैं, उसको आपकी हिफाजत की जरूरत नहीं है, बेशक आप उसकी हिफाजत उसकी पनाह में है। आप क्या खुदा के नाम को सिक्योर करेंगे? वाह वाह वाह। आप सोचिए, मतलब वो रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब है, आप उसकी क्रिएशन है। सुभान अल्लाह। और फेथ को कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता। जब आप फेथ को क्वेश्चन करेंगे, याद रखिएगा जहां फेथ में आप हुज्जत ले आए मोहब्बत जाया हो गई, खत्म। फेथ को क्वेश्चन नहीं किया जाता, फेथ कहां से क्वेश्चन होता है? फेथ में कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा ये है तो बस वो है, नबी ने कहा वो है तो बस वो है, बिल्कुल उसमें हुज्जतें नहीं है। आपा मुझे आपकी बात सुनकर एक वाकया याद आ रहा है। याद कीजिए कि हम लोग इससे पहले किसी और चैनल पर थे और जुम्मतुल विदा का दिन था, जिस वक्त मॉडल कॉलोनी का एरोप्लेन क्रैश हुआ था, बिल्कुल। और हम लोग बहुत परेशान थे उस वक्त ना, और जाहिर है, और हमारी एक नात खान भी थी, उन्होंने वो अपने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था, आपने बुलाकर उनसे भी पूछा था सारी सब बातें। तो उस वाकये में हमारे जो एक बुज़ुर्ग हैं मुनव्वर सईद साहब, उनके बेटे जिंदा बच गए थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक एरोप्लेन क्रश हुआ और उसके अंदर वो जिंदा बच गए।
तो मालूम ये हुआ कि जब कोविड में हर इदारे में डाउन साइजिंग हो रही थी, तो वो जिस इदारे में के प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पर उन्होंने लोगों को इंक्रीमेंट्स दिए। तो यानी लोगों की आप मदद करते हैं, लोगों की दुआएं आपके साथ साथ चलती हैं, और इस तरह से साथ साथ चलती हैं कि एरोप्लेन क्रश हुआ लेकिन उसमें वो जिंदा बच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं साथ हूँ मिराल के जी। मिराल, आज क्या बना रही हैं आप? साहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह गुड, अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी ढाबा एक की, तो दैट्स व्हाई आज हम ढाबा एक दोबारा बना रहे हैं। जी बिल्कुल, मुबारक हो आपको, आज ढाबे वाला अंडा बन रहा है। जजाकल्लाह, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। सर सर जी जी, तो मैं रिपीट करूँ इंग्रेडिएंट्स? जी जी प्लीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑयल डालेंगे पैन में, ठीक है, उसे हीट करके हमें डालना होगा। लाइक मीडियम साइज की अनियन है, आपने हाफ ऑफ ये, मैंने ज़्यादा ही कर लिया है, तो हाफ ऑफ इट आप डाल देंगे। देन उसके बाद हमें मीडियम साइज का ही टमेटो चाहिए होगा, एंड टू चिलीज हमें फुल चाहिए होंगी इसके लिए। हम इसे सौते करेंगे, सौते करने के बाद जो हमें स्पाइसेस की नीड है वो है हमारा रोस्टेड एंड क्रश जीरा, ठीक है। धनिया पाउडर चाहिए होगा हमें 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 teaspoon चाहिए होगा, हल्दी पाउडर 1/4, लाइक इट्स लाइक यू नो जस्ट कि इसका टेस्ट आ जाए। और साथ में हम इसके ऐड करेंगे गरम मसाला 1 teaspoon, और इसके बाद हम अपने ऐड करेंगे फिर हम इसमें अपने बॉयल एग इसमें डालेंगे। देन उसके बाद उसको थोड़ा सा कुक करने के बाद हम सनी साइड अप और टॉपिंग की तरफ जाएंगे। देयर यू गो, प्लीज अब स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, तो अब बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शहरयार दाऊद साहब, डॉक्टर जमील राठौर साहब, एंड ऑफ कोर्स मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। जी डॉक्टर साहब, मोहब्बत के फवाइद बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मोहब्बत किसी से हो फ़ायदा देती है इंसान, ठीक है ना। और इंसान के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं और पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि इंसान को जितने भी तफक्कुरात हों, जितनी भी परेशानियाँ, मोहब्बत की वजह से अल्लाह उन्हें ख़त्म कर देता है। इंसान को पीस मिलता है, काम मिलता है, प्लेजर मिलती है, जिससे मोहब्बत की वजह से। जी मोहब्बत की वजह से। अच्छा, मोहब्बत बेचैन भी तो करती है बहुत। जी बेचैन भी तो करती है। उस वो जो बेचैनी है उसमें भी बेचैनी में सुकून है, उसमें भी एक लुत्फ है। अच्छा ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये पैदा, मोहब्बत किस से हो? मैं कहता हूँ अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो आमना के लाल से होनी चाहिए, और मोहब्बत करनी हो तो अपने रब से करें। और कैसी, वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो तो टूट कर मोहब्बत करो, बेसाख्ता मोहब्बत करो। चुनाचे कुरान मजीद बुरहान रशीद कहता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ऐ नबी, इनसे कह दो अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो पहले मेरे नबी से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की इताअत करो। अब इताअत बहुत सारी चीज़ों तरीके से की जाती है, खौफ से भी की जाती है, और जहन्नम का खौफ बेशक हक है, जन्नत की तमा करना ये भी हक है, लेकिन वो इताअत जो कि मोहब्बत से हो उस इताअत का कमाल ही कुछ और है। लिहाजा अजब अंदाज है रब का कि पीछे चले नबी के, और अल्लाह क्या इनाम देता है। बंदा चाहता है अल्लाह तू मेरा महबूब बन जा, अल्लाह फरमाता है ठीक है मैं तो महबूब हूँ, मेरे नबी के जो पीछे चलता है मैं उन्हें अपना महबूब बना लेता हूँ। तो ये 22 वर्षा है, ठीक है ना। इस मोहब्बत का अजर बेशुमार है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है, नियरनेस मिलती है, और फिर मनाजिल तय होती है। तो यकीनी तौर पर मोहब्बत किसी भी मुआशरे की बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए इंतहाई ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि मैं अपनी एक मिसाल बताऊं, हमने साहिर भाई जिन असादिसा से पढ़ा था उस ज़माने में डंडे भी चलते थे, बिल्कुल चलते थे, सख्ती भी होती थी। ओहो, हमारे एक टीचर थे फिज़िक्स के, हम उन्हें स्काई लैब कहते थे, बिकॉज़ वो कभी टूट पड़ते थे और ऐसे टूटते थे वो। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ये तो आपने फिजिक्स के टीचर की बात की ना, मदरसे के उस्ताद के पास चले जाना पिछले जमानों में। सर वहाँ भी गया हूँ मैं सर,
अच्छा? सर बड़ी ठुकाई होती थी सर, सर वहाँ ऐसे ठीक ठाक होती वो, तो, सर? वो तो यूं करते थे, इधर आओ इधर आओ, ये गलत पड़ा है इधर लाओ, उंगलियां लेके आओ, पेंसिल दबा के, हाँ जी ओह यूं करके ओह। ये आप सस्ता छूट गए? नहीं नहीं सर, ये तो मैंने आपको अच्छा प्राइमरी मार बताई है। अच्छा अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी मार तो बहुत ज्यादा थी सर। अच्छा मुझे लगता है कि ये जो है वो अपना अच्छा, फिर हम जो हरकतें करते थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छी नहीं थी। हमने भी पक्की पक्की हरकतें की। अब अच्छा। हुआ क्या, मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, अब अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उनको भी, हमारे मस्जिद में हाफिज साहब हुआ करते थे, तो अक्सर हम उनसे दर्श लेने चले जाते थे। तो हाफिज साहब कहने लगे एक रोज़ दर्श देते हुए कि भाई जो चीज़ यहाँ खो जाए वो जन्नत में सोने की मिलेगी आपको। हमने कहा अच्छा, हम बच्चों ने मिलके उनकी चप्पल छुपा दी। अल्लाह अच्छा आई एम सॉरी, मैं क्या, मैं आपको बचपन की शरारतें, मैं इतना सारा क्या, वो मैं सही बता रहा हूँ, बचपन हमने ना चप्पल छुपा दी। इसके बाद हाफिज साहब ढूंढ रहे चप्पल, अच्छा 15 मिनट तक तो ढूंढते रहे, 15 मिनट के बाद मुझसे पूछा हाँ। क्यों भाई शैतान मेरी चप्पल खाए? मैंने कहा ऊपर जाके सोने की ले लीजिए। उसके बाद जो हाफिज साहब ने मेरी ठुकाई की ओ पहले वो घूमे फिर आपको घुमाया। मुझे मुझे और मेरे साथ और 5-6 और बच्चे थे अच्छा। हम सबको फिर हाफिज साहब ने घुमाया जी। अच्छा। सॉरी प्लीज। तो मैं अर्ज ही कर रहा था कि उस जमाने में शायद खौफ के साथ लोगों को पढ़ाया जाता था, तो जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने भी ज़ाहिर वही स्टाइल अपनाने की कोशिश की, पता चला बच्चे बमुश्किल एक पारा हिफ्स कर पाए। मेरे वालिद साहब ने कहा, अपने बच्चों को बिठाया, बेटा तुम पढ़ो, तुम्हें ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा, उनको बूस्टर्स दिए, उनको अप्रिसिएशन दी। यकीन जानिए मुझे पता ही नहीं चला, महज 2 सालों में मोहब्बत का ऐसा फ़ायदा हुआ, हाफिज़ कुरान बन गए। तो मैं इस नतीजे पहुंचा कि खौफ से बढ़कर अगर कोई चीज़ काम करती है तो मोहब्बत है। सर इसका एक और बात है, आपके वालिद ने ये किया ना जी जी। सर असल से सूद प्यारा होता है, बिल्कुल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं अपनी वालदा से अक्सर मैं अपनी वालदा से अब भी ये सवाल करता हूँ। अच्छा यही मेरे, एक मिनट, यही मेरे वालिद थे। हाँ 79 में इलेक्शन लड़ा, ठीक है ना, उन दिनों मैं मदरसे से छुट्टी लेकर घर आ गया, अब इलेक्शन थी, अब्बा जीत गए, जिंदाबाद के नारे, हम भी खुश, ठीक है ना। थोड़े दिन के बाद जब वो फारिग हुए, तुम कहाँ भाई इधर? मैंने कहा वो तो हम एक दिन की छुट्टी ले गए, अब तो 5 दिन गुजर गए, अब कारी साहब ने नहीं छोड़ना। वो हमें रक्षे में डालकर बड़ी मोहब्बत से ले गए, और जाकर कारी साहब के कहा, कारी साहब ये अब आपके हवाले, आप जाने ये जाने। और उसके बाद जो मुझे मारा है, पिटाई लगी है, मैं डबल रोटी बन गया था, आप बिलीव कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं कभी कभी ये समझता हूँ वही मार काम आ गई, उस्ताद की मार हाँ, बच्चे का निखार। जी हाँ, तो वो था। तो लेकिन आप अब यूरोप में चले जाएँ, इधर चले जाएँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो हमारे यहाँ भी आ गया आहिस्ता आहिस्ता, खासतौर पे मदारिस में लोग कैमरा लगा कर रखते हैं, मार पिटाई हो तो बता दें, स्कूल में भी। लेकिन अब यूरोप में और अमेरिका में अगर वहाँ जाएं, आप ये देखिए वहाँ पर दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो लोगों को ना तो थूकते हैं ना उन्हें वो अपना रट्टू तोता बनाते हैं उनको, ना उनके कमर के ऊपर कोई 20 किलो का बैग लगाते हैं, कोई बच्चे को मारता नहीं, उनको पूरा टाइम देते हैं, खेलते हैं। मैं आपको हैरतअंगेज़ बात अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़माने में एक चीज़ कही जाती, रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन। ये सब लोग को यहाँ था, हमने रट रट के पागल कर दिया, सारी किताबें रट ली। अच्छा जब मैं वहाँ गया, अमरीका गया, तो अंग्रेज़ी बोलनी आती नहीं थी, उर्दू बोलते थे हम, उर्दू साइंस कॉलेज के ग्रेजुएट थे। तो एक मुश्किल ये आन पड़ी कि यार अब क्या किया जाए। खैर फैसले किए, कुछ अच्छे फैसले हो गए, तो क्लास में बैठने लगे। तो मुझे डर ये था कि यार ये तो इनका पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा है, मैं तो पता नहीं आगे चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। आप यकीन माने कभी कोई ट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं वहाँ, लर्निंग सेंटर में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो ग्रेड स्टूडेंट्स के पास हम जाते थे कि आप समझा दें हमको, दैट्स अबाउट इट। और मेरी जो GPA था वो 3.96 का GPA था मेरा, आउट ऑफ 4, ठीक है, तो 1B। तो कहने का मकसद क्या है कि वो उनका जो निज़ाम तालीम था ना, जो अप्रोच थी तालीम की, वो बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट थी। हमारे यहाँ तो अब मेरे ख्याल में चेंज हो गया ये। देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तो तालीम थी, आपने सहाबा को जो ग्रूम किया है ना, वो जहन्नम का डर ज़रूर सुनाया है, लेकिन उससे बढ़कर जन्नत की बशारतें सुनाकर आपने करीब किया, और जहन्नम का डर सुनाकर ग्रूम किया। और उसके बाद वो अस्हाब बासफ़ा जिन अंधेरी राहों से गुजरे, वहाँ इल्म हुनर की कंदीले रोशन करते चले गए। और यही अमल था। मैं आपको एक वाक़ बताऊँ कि हुजूर अकरम तारदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ बंदी में बहुत ज़्यादा आप जो है वो उसके अंदर
ہر وقت توجہ, توجہ فرمایا کرتے تھے. تو صفے درست کرو صفے. تو ایک صحابی کا پیر باہر نکلا تھا, رسول اللہ جب جا رہے تھے صفے درست کراتے کرتے آپ کا پیر اس کے پیر پر آ گیا. اب وہ بات گزر گئی, رات کے کسی پہر ارلی ان دا مارننگ اس کا دروازہ بجا صحابی کا. اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا پوری کائنات دروازے پر کھڑی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر. اس صحابی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری, یا رسول اللہ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میرا پیر تمہارے پیر پر آ گیا تھا, اے میرے صحابی کہیں تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ اکبر. یہ محبت تھی. وہ کیا ہوا؟ دل جیت لیے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, ایک مشرک تھا مکہ کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہجو کرتا تھا, ٹونٹنگ کرتا تھا, مختلف کرتا تھا. ایک دفعہ وہ سفر پر گئے, ادھر سے جائے نا تجارت کے لیے, تو شام اور پھر مدینہ واپسی پہ آتا پھر مکہ آتا, یہ روٹ ہے. تو وہ جب واپسی پہ پلٹا رات ہوگی, اس نے بولا اس شہر مدینہ میں کوئی جاننے والا نہیں, ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے, لیکن میں تو ان کی دشمنی کرتا رہا. لیکن ڈرتے ڈرتے گیا کہ عرب کی روایات ہیں, شاید مجھے پناہ گاہ مل جائے. حضور کا دولت کدا دروازہ بجایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آئے, کہا کہ میں ہوں, رات گزارنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو اپنے گھر لے گئے اور پوچھا بھائی کیا کھاؤ گے؟ بھوکے. کہاں ہاں. اپنی ساری ازواج مطہرات سے پوچھا, پتہ چلا کھانے کو کچھ نہیں, کچھ بکریاں تھیں, 7 کے قریب بکریاں حدیث مبارک میں آئی وہ تھیں. حضور نے ایک بکری کا دودھ نکالا اسے پیش کیا, وہ پی گیا. کہا اور؟ ہاں اور چاہیے. 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا. اللہ. اور اس کے بعد حضور نے بستر بچھا دیا, سو جاؤ. اب کہاں اس نے سونا تھا, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی, وہ سو نہیں سکا, کروٹ بدلتے رہا کہ میرا یہ عمل اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز محبت. سبحان اللہ. لہذا ادھر فجر ہوئی اور ادھر اس کی ایمان فجر طلوع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب حضور آئے, وہ کہا یا رسول اللہ بات بعد میں کیجئے, پہلے کلمہ پڑھائیے. قدموں میں گر کے قربان ہو گیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو حضور کی محبت. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے, اور میرا مصطفیٰ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے, رؤوف الرحیم ہے. لہذا اسلام میں جو غلبہ ہے, اسلام میں محبت ہے, امن ہے, شفقت ہے, ہمدردی ہے, عفو و درگزاری ہے, غم گساری ہے, صبر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, اخوت ہے, محبت ہے, مودت ہے. یہ اسلام کا پرائم ہے. اس کے بعد اسلام کچھ چیزوں پہ تادیباً ضرور بات کرتا ہے, لیکن اسلام کا جو ڈور اوپن ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کھلتا ہے. لہذا اگر ہم پیغام میں محبت اپنے فقط دل میں نہیں, اپنے عوارض پر, اپنے اعضا پر اگر طاری کر لیں, تو یقین جانیے ساحر بھائی ہمیں نان مسلم کو بولنا نہیں پڑے گا مسلمان ہو جا. ہمارا کردار اگر اسلامی ہو جائے تو ہمارا کردار ہی اس کے اسلام لانے کے لیے کافی ہے. سر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اهل صلی اللہ علیہ والہ وسلم. میں معذرت چاہتا ہوں, بریک کے بعد شروع کرتے ہیں. کوئی بات, ویسے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ایک چلا جاتا ہے, لیکن بریک آ گیا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. All right, جی, once again, welcome back. جی مفتی صاحب. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین, اما بعد, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اهل صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ماشاءاللہ. محبت انسانی جذبات میں سے ایک جذبہ ہے, دلوں میں پیدا ہونے والے ایک جذبے کا نام محبت ہے. یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے, اور شریعت اسلامیہ کی حدود و قیود سے باہر نکل کر جتنی بھی محبتیں ہیں ان کا اینڈ بیزاری ہے. اگر آج یہ کہا جائے کہ محبت کی دعا مانگنی چاہیے, اللہ کیسی محبت انسان کو نصیب فرمائے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبتیں نصیب فرمائے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کی. سبحان اللہ. یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے, اپنی امت سے فرمائی.
देखिए हम हुजूर के ज़माने में पैदा नहीं हुए, उस हुजूर, उस नबी, उस रसूल, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे दो जहां, सरवर कोनो मकान के दिल में अपनी उम्मत की कैसी मोहब्बत होगी कि जो उम्मत अभी पैदा भी नहीं हुई वो रसूल उस वक़्त रातों की तारीकी में उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। मैं इससे आगे बढ़कर एक जुमला कहूँ तो देखिए, कोई बंदा किसी स्टेटस पे चला जाता है ना साहिर भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े स्टेटस पे जाने के बाद छोटे लोगों को याद करते हैं, मगर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का खुद स्टेटस क्या है, फिर आप गए कहाँ हैं, कहाँ अल्लाह ताला आपको ले गया है। वो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की अल्फाज में आपने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम का रफ्तार का अंदाज़ा लगाना हो तो आपकी मेराज से लगाया जा सकता है। वो वहाँ जाकर भी अल्लाह ताला ने कहा मेरे हबीब मेरे लिए क्या लाए, अत्तहियातुलिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, तीन चीज़ों का तबादला हो गया, अल्लाह ने हुजूर को दे दी, हुजूर ने अल्लाह को दे दी, फरमाया या अल्लाह आपने तो मुझे तो दे दी, मैं पीछे उम्मत छोड़ कर आया। मोहब्बतें हों तो ऐसी हों, और फिर जिनको मोहब्बतें आपने तकसीम फरमाई सिखाया वो कैसी मोहब्बतें थी। मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूँगा, शायद मैं उन अल्फाज में तर्जुमानी न कर सकूँ, मैदान ओहद है, एक सहाबी हैं, इनका नाम ज़ियाद इब्ने सकन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हुजूर ने फरमाया ना जख्मियों को उठाया लाए, हाँ, जमा किया जाए, हाँ, तलाश किया जाए, तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ पे ज़ियाद बिन सकन को भी मैंने कहीं देखा था, उनका बाजू कटा हुआ था, जब देखा गया तो उनका एक बाजू भी नहीं था, दूसरा बाजू भी नहीं था, एक टांग भी नहीं थी, दूसरी टांग भी नहीं थी, और वो जख्मों में कराह रहे थे, और उनके दाएं तरफ यहाँ तीर मौजूद था, लगा हुआ था। जब उनके चेहरे से मट्टी हटाई गई तो पूछा कौन, कहा ज़ियाद बिन सकन हूँ, तो उम्मुल मोमिनीन अफीफा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत ज़ियाद बिन सकन को थोड़ा सा पानी दिया, फरमाया ज़ियाद बिन सकन कोई आखिरी ख्वाहिश, मौत के वक़्त साहिर भाई कोई किसी को याद नहीं करता, आखिरी ख्वाहिश, फरमाया अम्मा जान कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं रोज़ाना मस्जिद नबी में अपने आका के दरबार में अपने आका के कदमों में हाजिर हुआ करता था, आज एक ख्वाहिश है, कदम कट गए हैं जिन कदमों पे चल के आया करता था, वो कदम कट गए, वो टांगें कट गईं, आंखों के बल चलना चाहता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, आका से कहें मौत के वक्त अपनी ज़ियारत करवा। अच्छा अगली बात इससे भी हैरान कुन है, आप कभी मदीना जाएं तो मदीना के अंदर मैदान ओहद के दामन में गार है, मेरी वाल पर वो वीडियो मौजूद है, मैंने अभी बनाई है, जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए ना जी, तो वो पत्थर अभी तक मौजूद है जिस पत्थर पर सहाबा इकराम ने आपको ले जा के बिठाया, हज़रत फजल बिन अब्बास ने, हज़रत अली ने, हज़रत अबू बकर सदीक ने आपको पानी पेश किया, हुजूर वहाँ थे, हुजूर को पता चला कि ज़ियाद बिन सकन इस तरह याद कर रहे हैं, तो ज़ख्मी हालत में हुजूर के अपने दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, इस हाल में आका दो आलम उठे, अफीफा कायनात अम्मा जान फरमाती हैं कि आका इतनी तेज़ी से गए कि आपके शानों से चादर गिर गई, और पहुँचे, और पहुँचने के बाद यूँ जिस तरह कोई बंदा अत्तहियात में बैठता है यूँ बैठे, और नबूवत वाले दोनों हाथों में यूं ज़ियाद बिन सकन को उठाया, उठाकर अपने सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद अपने नबूवत वाले हाथों से उसके चेहरे को सारे मिट्टी झाड़ी, पत्थर झाड़े, साफ किया चेहरे को, फिर माथे पे बोसा दिया, उस हाल में ज़ियाद बिन सकन के खुशी से आंसू निकल आए, फरमाया ज़ियाद बिन सकन तुम मुझसे जुदा हो रहे हो, दुनिया से जा रहे हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है, फरमाया या रसूल अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं है, आप राजी हो जाएं रब राजी हो जाएगा। अल्लाह फरमाया सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया ये जिब्राइल मेरे पास हैं, ज़ियाद बिन सकन आसमान पे रब राजी है, जमीन पे मैं मुस्तफा तुझसे राजी हूँ, मोहब्बतें हों तो ऐसी हों, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मोहब्बतें, आमीन आमीन सुमामीन आमीन सुमामीन। आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अल्लामा साहब आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बस छोड़ दें इसको, छोड़ दें अभी, छोड़ दीजिए, इसके बाद आप तशरीफ लाइए, यहाँ आ जाइए। अच्छा चलिए चलिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ले आइए। सुभानअल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की और मोहब्बत के फ़वाद की, अलामा मसूदी साहब तशरीफ़ ले आए हैं जी, मोहब्बत के फ़वाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत अगर देखा जाए तो ये दुनिया बनाई काय के लिए गई, वाह 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 वाह, ये कमाल मोहब्बत के लिए बनाई, बनाई भी ये मोहब्बत में गई और बनाई गई भी मोहब्बत के लिए। अब इसको कैसे देखें हम, तो मैं कहूँगा कि मोहब्बत का मादा क्या है, हब्बा युहिब्बो, ये हुब से
ये अंदर से कोई चीज़ अगर बाहर आए तो उसका नाम मोहब्बत है। दिखावे को हम और आप मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते। दूसरी बात ये कि मोहब्बत जितना इंसान का ज़र्फ है उसी हिसाब से उसको मोहब्बत होगी, जितना उसका इल्म है उसी के हिसाब से उसको मोहब्बत होगी, जितनी उसकी मार्फत है उसी के हिसाब से उसकी मोहब्बत होगी। ये मोहब्बतें बहुत सारी आपको नज़र आती हैं ना अकसाम की, ये छोटी मोहब्बत, ये दुनियावी मोहब्बत, ये माल की मोहब्बत, ये हाशम की मोहब्बत, ये जाहो जलाल की मोहब्बत, ये सल्तनत की मोहब्बत, ये अपने घर वालों की मोहब्बत, ये औलाद की मोहब्बत, ये सब मोहब्बतें अपनी जगह, लेकिन ये सब मजाजी है। एक मोहब्बत वो है जिसने इस दुनिया को खल किया मोहब्बत के लिए, उससे मोहब्बत की जाए, और उसके लिए उसने इस अंदाज से कहा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, दावा तो ये सब कर रहे होते हैं, हैं? और मैं तो खैर सबसे ही आगे हूँ, अगर चूँकि मुझे सबसे पीछे होना चाहिए, लेकिन यही खुशफहमी भी मैं कहता हूँ कि शायद निजात का बायस हो जाए। ये खुशफहमी रखनी चाहिए कि मुझे खुदा से मोहब्बत है, लेकिन खुदा ने एक पैमाना करार दे दिया, और पैमाना क्या करार दिया, मैं यूँ कहूँगा कि फिर और बात को अगर बढ़ाया जाए तो खुदा बंदे आलम ने अपनी मार्फत यानी जो मोहब्बत मेरे रसूल को खुदा से है वो कायनात में किसी दूसरे को नहीं है, बेशक, और जो मेरे खुदा को मेरे रसूल से है वो कायनात में किसी और को हासिल नहीं। कितनी ही मखलूकात है, खुदा ने बड़ी खूबसूरत मखलूकात पैदा की, बड़ी कमाल की मखलूकात पैदा की, हत्ता कि ऐसी मखलूकात भी मिल जाएंगी आपको कि जो क्या है इंसानों की हिदायत का भी सबब बनी, लेकिन इसके बावजूद कमाल मोहब्बत अगर देखनी है तो वो फिर क्या है, अल्लाह की अपने महबूब से और महबूब की अल्लाह से है। कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, सुभान अल्लाह, तो मैंने अपने हबीब को पैदा किया, सुभान अल्लाह, और ये कायनात उस हबीब के लिए बनाई गई। पढ़ते रहते हैं आप लोग माशाल्लाह अशआर, हैं ये कायनात उनके लिए तख्लीक की, उनकी मोहब्बत में तख्लीक की गई है। ये कायनात खुदा की मर्जी अपनी जगह है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर ये मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत में क्या कुछ दिया जाता है, तो जो जितना बड़ा होता है उसकी मोहब्बत भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर हबीब से मोहब्बत थी तो ये कायनात देती, और कायनात के फिर सदक़े में मैं कहूँगा कि अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मोहब्बत का नतीजा है, लेकिन अगर एक जुमले में मैं ये जानना चाहूँ तो फिर अल्लाह से कैसे होगी मोहब्बत, तो एक दरमियान में चीज़ रखी खुदा ने, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अच्छा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम फज़कुरूनी अज़कुरकुम, लेकिन यह हुब में आकर के ये नहीं किया खुदा ने। हाय हाय, अच्छा मोहब्बत अलावा साहब वो जज्बा है, अजीब नुक्ता है हजरत, जी जी मोहब्बत, आप पहली बात खत्म कर लीजिए फिर इसके बाद। बस नहीं, मैं तो यही कह रहा था, वो आप जहाँ चाहे मुझे रोक दें, वो कोई नहीं, मुश्किल नहीं, नहीं, नहीं है, please. बस सिर्फ इतनी सी बात है कि वहाँ पर अल्लाह से मोहब्बत के लिए शर्त है रसूल अल्लाह से मोहब्बत, कोई शक नहीं, कोई शक, अगर फत्तबिउनी का मतलब क्या है, मेरी इत्तबा करो यानी रसूल की सीरत पर अमल करो, रसूल की क्या है सुन्नत पर अमल करो, रसूल की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करो, ये क्या है, फिर युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। लेकिन एक जुमला मैं कहूँगा, अब हबीब से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, हबीब से मोहब्बत, और हबीब से मोहब्बत मौकूफ़ है कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, जो मोहब्बत से ऊपर की मंजिल, अल्लाह ने अपने लिए तो मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जब रसूल के अजर रिसालत मांगा है, और अजर रिसालत क्या है, ये इंसानियत से मोहब्बत थी जो आखिर में खुदावंद आलम ने किसको रखा, कमाल मोहब्बत को रखा, अपनी कमाल मोहब्बत को सबसे आखिर में भेजा, क्यों, इस इंसान से खुदा को मोहब्बत थी, उसने कहा जब तक हिदायत नहीं होगी मैं ऐसा भेजूंगा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन भी कामिल होगा, नेमतें भी कामिल होंगी, ये नेमत उज़्मा खुदा ने छुपा के रखी सबसे आखिर में, और उनसे जब रिसालत की सूरत में, तो उन्होंने क्या मांगा,
कि मेरे अहले बैत से, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत को इख्तियार करो, और मोहब्बत मवद्दत से एक दर्जा आगे की मंजिल है। मोहब्बत दिल से होती है, दिल में उतर जाती है, पर नहीं रखती मगर परवाज़ कहते रहते हैं, बिल्कुल सुनाते। और यहाँ पर मवद्दत में इजहार शर्त जाती है। जी सर। कसबल निकाल देता है, इश्क सांचे में डाल देता है, इश्क में बू है किबरियाई की, इश्क जिसने किया बुराई की, ओ लाल मेरी पत रखियो लाल झूले लाल, लाल मेरी पत बहुत सारी डेफिनेशन तो समझ नहीं आती, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। मैं सही बता रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुदा के बंदों से प्यार कीजिए, और कसम खा के कहता हूँ दुनिया से मोहब्बत मत कीजिएगा, फ़ानी जगह, बड़ी रेडिकुलस किस्म की फ़ानी जगह है। आप मैं क्या मैं बताऊँ, मैं कभी कभी ना सोचता हूँ, उसके बाद मैं उलमा की तरफ जाऊँगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये उम्र जो मैंने गुजार दी है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो कल की बात लगती है। अल्लाह बिल्कुल ऐसे। कल मैं बच्चा था, रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में पल बढ़ रहा था, खेल रहा था, आज उम्र के इतने साल गुजर गए, और इस सारी उम्र के इस सब कुछ गुजरने के बाद भी मेरे हाथ क्या है। अल्लाह अकबर। मैंने जो कमाया यहीं छोड़ जाऊंगा, ये कपड़े जो मैंने पहने हैं ये भी यहीं रह जाएंगे, ये जूते जो मैंने पहने हैं ये भी यहीं रह जाएंगे, ये घड़ी भी मेरी यहीं रह जाएगी, मेरी जितनी गाड़ियां हैं सब यहीं रहेंगी, मेरे रिश्तेदार भी यहीं होंगे,
मैं साथ क्या लेके जा रहा हूं? वो एक सफेद लट्ठा जिसे मैंने कभी नहीं देखा और जिसे मैं देख भी नहीं पाऊंगा जब मुझे पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं अपने साथ सिर्फ वो लेके जाऊंगा और लेके जाऊंगा वो बैग जिसमें दो खाने बने में, एक खाना वो है जो मेरे फराइज का था, उसकी पूछ होनी है, उस खाने में क्या है ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। दूसरा खाना किस चीज का होगा? दूसरा खाना उन सवालात का होगा जिसके जवाबात मुझे देने हैं जो गलतियां मैंने की हैं। और दोनों जगह मैं फिक्र का शिकार हूं, तरद्दुद का शिकार हूं। मुझे कभी लोग अक्सर कहते हैं ना, तो मुझे दुश्मनियां समझ नहीं आती, मुझे लोगों के मर्तबे समझ नहीं आते, मुझे लोगों की बातें समझ नहीं आती, मुझे उनका करोफर उनका गुरूर समझ में नहीं आता, और मुझे ये भी समझ में नहीं आता जब लोग ये मुझे कहते हैं आप ऐसे क्यों हैं। मैंने ऐसा ही होना है, मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने पैदा किया है, मैं उस रब का बंदा हूं, मैं और कैसा हूंगा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात। मैं सिवाय ऐसे के किसी और तरह का नहीं हो सकता। मुझे गुरूर किस बात का? उस आवाज का जो मुझे रब ने दी। मुझे गुरूर किस बात का? उस शक्ल का जो मुझे रब ने दी। मुझे गुरूर किस बात का? उस समात का जो मुझे रब ने दी। मुझे गुरूर किस बात का? उस दीद का जो रब ने दी। मुझे गुरूर किस बात का? इस जान का जो रब ने दी। अल्लाह अकबर। तो मेरा गुरूर तो मेरा रब है। अल्लाह अकबर। उस रब के अलावा मेरे पास क्या है? ये रिश्ते मैंने चूज नहीं किए, मेरे रब ने दिए। बेशक। ये मोहब्बतें मैंने चूज नहीं की, मेरे रब ने दी। और सबसे बड़ा एहसान अजीम मेरे रब करीम का क्या है कि मैं उम्मत मोहम्मदी में पैदा हुआ। मुझे इस्लाम की तलाश में निकलना नहीं पड़ा, मुझे हक की तलाश में निकलना नहीं पड़ा। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे कानों में आवाज आई, मैंने कलमा सुना है और कलमा पढ़ते हुए जाऊंगा। तो मुझे तो किसी चीज की तलाश में निकलना ही नहीं पड़ा, मुझ पर रब का कितना करम है। तो मुझे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, कभी जब मैं हमारे माशरे को देखता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। एक चीज जरूर अपना लें, आते जाते एक दूसरे का हाल पूछ लिया करो यार। और एक दूसरे को गले लगा लिया करो। क्या कहने, क्या कहने। कसम खुदा की हम सब एक ही हैं। कोई कोई जबान बोलता है, कोई कोई जबान बोलता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा कम है, लेकिन कभी मेरे रब की आंख से देखना शुरू करो, जो मख्फी आंख उसने तुम्हें दी है। उसने हर चीज तुम्हें यकसा करके दी। क्या बात। खून दिया तो वो भी यकसा, धड़कन दी तो वो भी यकसा, आंसू दिए तो वो भी यकसा, दर्द दिया तो वो भी यकसा, खुशी दी तो वो भी यकसा। और याद रखो, उसने अगर तुमसे कुछ लिया है तो उसके बदले में तुम्हें कुछ दिया है। बेशक। क्या बात। और ये भी याद रखो, वो तुमको कभी भी तुम्हारे हौसले से बड़ी आजमाइश नहीं देता। ये जो हम बातें करते हैं ना कि वो हमें आजमा रहा है, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, थोड़ा समझ लो, ये कॉन्सेप्ट्स जो है इनको चेंज करो, अनलर्न करने की कोशिश करो। रब आपको आजमाएगा, सही बात, जिसे पैदा किया उसे आजमाएगा। ओए होए। अल्लाह ताला आपको आजमाएंगे। आजमाइशें इसलिए होती हैं क्योंकि आप उससे गुजरें और आपको पता चले कि आप में ये चीज मौजूद है। अगर आप सिर्फ ये बात सोच लें कि आपको रब से मोहब्बत है, यकीन माने हर चीज ठीक हो जाती है। और ये वो मोहब्बत है जो फना नहीं हो सकती। मेरे नबी की वो मोहब्बत है जो फना नहीं हो सकती। ये वो मोहब्बत है जो आपके साथ जाती है और आपको सेल करवाती है दूसरी दुनिया में। यहाँ के जो रिश्ते हैं वो सब यहीं तक है, तकलीफ उनकी भी होती है। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह में आपसे प्यार करता है। मोहब्बत ही और क्या है। एक छोटी सी जुमला, एक छोटा सर, आ जाइए। वो किसी ने कहा ना कि जब एक बच्चा रोजा रख लेता है तो सारा दिन माँ उसे प्यार से देखती रहती है, बेटा मेरा यहाँ बैठ जाए, ये कर ले, वो कर ले। तो जरा सोचो, उस प्यारा रब जो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे रोजेदार बंदे को अपने देखता होगा।
कितनी मोहब्बत से देखता होगा। सुभान सुभान जी, आप क्या कहती हैं? मैं अल्लामा मसूदी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और अगर मोहब्बत को मकामी मेराज पर देखना हो तो करबला का वाकया हमारे पास मौजूद है। करबला में इमाम अली मकाम के एक ग़ुलाम थे, उनका नाम जॉन हबशी था। अच्छा, अब वो ग़ुलाम बार बार चाहते थे कि इमाम की खिदमत में जाएँ और जाकर रन में जाने की इजाज़त मांगे, मगर इमाम अली मकाम उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे। आखिर में बड़ा नफ्सियाती तरीक़ा जॉन हबशी ने इख्तियार किया, कहा कि आप मुझे इसलिए रन में नहीं जाने दे रहे हैं कि मैं काला हूँ, मेरे खून से बदबू आती है, और आप नहीं चाहते कि आपका पाकीज़ा लहू मेरे लहू में मिल जाए। और एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गले से लगा लिया हज़रत जॉन हबशी को और कहा कि बेशक तुम मक्तल में जाओ। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मोहब्बत की आला मिसाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके सरहाने पहुँचे हैं, यहाँ तक कि वो हज़रत हुर, मैं कहती हूँ कि हुर से बड़ा कोई गुनहगार कोई खताकार नज़र आता है, इसलिए कि अगर वो ना होता तो इमाम अली मकाम मक्तले करबला में ना आते। मगर जब हुर आखिरी वक्त में तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने सरहाने पाया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि अपनी माँ फातिमा जहरा का रुमाल उनके पेशानी पर बांधा, बल्कि जन्नत का वादा भी किया। सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बताऊं कि जो बात करें था आप आजमाइश की, कि आजमाइश के बाद अल्लाह ये बता दे तुम्हें कैपेसिटी कितनी है गुजारता, बिल्कुल ऐसा ही हज़रत हुर जब तक आजमाइश नहीं थी ना उन्हें पता नहीं था मैं जन्नती हूँ या दोज़खी, खड़ा दोज़खी में था, आजमाइश से गुजरा तो जन्नती लोगों में शामिल। आजमाइश इंसान को शेपअप कर देती है, ग्रूम कर देती है, उसे तहम्मुल देती है, उसे सब्र देती है। और बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा, अल्लाह तो इंसान का खालिक है, उसे पता है कि इसकी जिबिल्लत में मैंने क्या रखा है, कितने नेगेटिविटी है कितनी पॉजिटिविटी है, वो सब जानता है ये कहाँ खड़ा होगा, वो अल्लामुल गुयूब है। लेकिन वो हमें उस पाइपलाइन से उस प्रोसेस से गुजार कर दरअसल हमें सीखने का मौका देता है, संवरने का मौका देता है, अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका देता है। तो अल्लाह तो खलाक अजीम है। और फिर जिस तरह मोहतरम हमारे मसूदी साहब ने फरमाया कि वाइस वर्सा मोहब्बत है, बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो बदले में अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, याद रख लीजिए। और बंदों की बात करूं तो बंदे के आका की बात करूं, चूंकि इश्क की महफिल है, इश्क के जलवे यहाँ अपने बखेरे हैं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला जितनी नबी से मोहब्बत करता है, पूरी कायनात भी जमा हो जाए तो वैसी मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, 17 माह गुजर गए और आसमानों की जानिब रुख करके दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह काबतुल्लाह को हमारा क़िबला गाह बना दे, यहूद ताना दे रहे हैं, टोंटिंग कर रहे हैं कि नबी तुम नया तालीम नहीं, लेकिन काबा तो हमारा है, वो बैतुल मक़दस तो हमारा है, हमारे नबियों का है। 17 माह तक इंतज़ार करवा रहे हैं, 17 माह के बाद वही आई, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बताया मैं भी तो प्यारे तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो क्या अंदाज़ है अल्लाह का, प्यारे तू 17 माह तक आसमानों को देख रहा था, तो ये इत्तिफाकी हादसाती बात नहीं थी, डिले जो हुआ। फरमाया कि तू आसमानों को देखता था, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, तेरा रब तेरे रुखे अनवर को देखता था। और भी फरमाया तू क्या चाहता है, क़िबला तब्दील हो जाए, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, प्यारे तेरी रजा पर छोड़ा, तू जिस जानिब रुख कर लेगा उसी जानिब को क़यामत तक के लिए मुसलमानों का काबा और क़िबला बना देंगे। तो काबा बदल गया, हुजूर के रुखे अनवर का सदका काबा मिल गया। अच्छा, जब काबा मिला तो उसके बाद यहूदे मदीना ने फिर ताना दिया कि मैं तुम्हारा मामला क्या है, कल तुम उधर झुकते थे आधर झुकते हो, कल सही थे तो आज गलत, आज सही हो तो कल गलत, मामला क्या है। तो सहाबा ने और हज़रत अली की आवाज़ बुलंद हुई, मियाँ तुम क्या समझते हो, हम ना काबा को जानते हैं, ना बैतुल्लाह को जानते हैं, ना बैतुल मक़दस को जानते हैं, हम तो रुखे मुस्तफ़ा को जानते हैं, बैतुल मक़दस की जानिब हो जाए तो उसे क़िबला बना दे, बैतुल्लाह की जानिब हो जाए तो उसे काबा बना दे। अब यहाँ पर इश्क की मेराज है, देखिए कि हालत नमाज के अंदर 180 डिग्री हुजूर घूम गए, ठीक है ना। तो मैंने सहाबा से पूछा, हमारे यहाँ तो मामला ये है कि नमाज का वक्त बदलना हो तो लोग पहले से बताते हैं, इमाम साहब बताते हैं जनाब नमाज का वक्त 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे। मैंने कहा रब्बे करीम तू पहले से बताता है ना हालत नमाज में, तो अल्लाह ने बताया तुझे वक्त की पड़ी है, मुझे महबूब की रजा की पड़ी है हालत नमाज में। आखिरी बात, सहाबा इकराम के भी इश्क का ईमान था, इश्क का जो है वो इम्तिहान था। चुनाचे
अब यहूद मदीना ने ताना दिया, मेरा आज जैसा अगर मुसलमान होता ये कहता कि यार ये फिर गए, शायद अल्लाह अकबर ज़ोर से बोल दूँ दोबारा पलट जाएँ, शायद सहव हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर की इख्तदा की। मैंने सहाबा से पूछा चश्मे तखय्युल में, सहाबा आपने क्या किया? फरमाया मियाँ यही तो मामला है शक और इश्क का, तुम शक करने वाले हो, हम यार से इश्क करने वाले हैं। तुम्हारी निगाहों में सवाल होता है, हमारी निगाहों में यार का जमाल होता है। क्या बात है। एक शेर सर आखिरी, कब्र में जब आए सरकार तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के पास। आज कब्र में फूले ना समाएंगे आसी, मरे थे जिनके लिए है आज उनसे मुलाकात की रात। कब्र में हुजूर का दीदार होगा। मैं जमील भाई की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद बढ़ाइए आगे। और जाहिर है बड़ी ब्रेक लेते हैं। बहुत पुरानी बात है, मैं अमेरिका में पढ़ता था, स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई थी क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नर आ गया था, उसने आके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी थी, तो मैं नौकरी ढूंढ रहा था। तो एक रोज़ एक अखबार में इश्तहार देखा, मैं चला गया। दो बहनें रहा करती थी वहाँ, हेलन और स्टेला। स्टेला माजूर थी, वो उठ नहीं सकती थी, बेड पे लेटी रहती थी, मेडिकल बेड था उनका। और हेलन उनकी बहन थी, दोनों की उम्रें 80 बरस के लगभग थी। तो उन्होंने मुझसे कहा हम आपको रहने के लिए जगह दे देंगे। अच्छा। और $200 देंगे। अच्छा। और आपने अपना जो खाना वाना पकाना है वो आप पका लीजिए। आपका काम ये होगा कि सुबह के वक्त 4 बजे 5 बजे हम नाश्ता करती हैं दोनों बहनें, आप वो नाश्ता बना के हमें दे दिया करें और कॉफ़ी पिला दिया करें, और इसके बाद दैट्स इट। मैं 2 साल वहाँ रहा उस घर में, मेरी पूरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। फिर एक रोज़ ह्यूस्टन में मुझे नौकरी मिली, तो मैंने स्टेला से कहा, मैंने कहा अब मुझे आगे जाना है, तो मुझे कहने लगी जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा हामी व नासिर हो। सुबह 6 बजे मैंने अपनी गाड़ी में अपना सामान रखा और मैं वहाँ से चला। 6 घंटे की दूरी के बाद मैं पहुंचा सॉल्ट लेक सिटी। ये वाशिंगटन का एक शहर है, वाशिंगटन स्टेट का शहर है, जिसे सॉल्ट लेक सिटी कहा जाता है। यूटा का शहर है सॉल्ट लेक। मैं वहां पहुंचा और वहां पहले पे फ़ोन हुआ करते थे जिसमें सिक्के डलते थे। तो मैंने क्वार्टर्स डाल के स्टेला को फ़ोन किया, तो उसकी बेटी स्टोना ने फ़ोन उठाया और मुझे कहने लगी कि स्टेला चली गई, शी पास्ड अवे। शी पास्ड अवे। ओहो। मैंने अपनी गाड़ी टर्न की और मैं वापस ब्यूट आ गया और मुझे स्टेला की बातें याद आने लगी। मैंने उसे 1 हफ्ता पहले बताया था कि मैं जाऊंगा, तो इस 1 हफ्ते में उसने सिर्फ मुझे एक ही बात कही कि मेरा काम यहीं तक था, तुम पढ़ लिख गए, मेरा काम यहीं तक था। अल्लाह अकबर। ये मेरे रब का हुस्न है। हमें नहीं पता कि वो किनको हमारी जिंदगी में कैसे भेजता है।
मैं ज़िंदगी में कहीं चला जाऊं, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊं, मेरी ज़िंदगी में हमेशा वो लोग बहुत रहेंगे जिन्होंने मुझे उस वक्त बनाया अल्लाहु अकबर जिस वक्त कोई नहीं था। ये खुदा की रमज है। हम दो अलग अलग मजाहिब को मानने वाले थे। 80-82 साल की उनकी उम्र थी। और ऐन उस रोज जिस रोज मैं उस शहर से निकला हूं स्टेला का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे अजनबी मुल्क में अजनबी शहर में भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। ये मेरे रब की मुझसे मोहब्बत है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं क्या इसका खिराज दूंगा, मैं क्या उसकी हम्द व सना बयान करूंगा कि मैं किस काबिल हूं। मैं तो एक बहुत आम सा इंसान हूं। इस बात से डरूंगा क्योंकि मुझे पता है स्टेला के कंधे पे एक बैग था। उस बैग में कुछ डाक मेरे नाम की थी जो उसने मुझे दे दी। मेरे कंधे पे एक बैग है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम की डाक है और जाने से पहले मुझे वो डाक तकसीम करनी। वो डाक अगर मैं अपने साथ लेके चला गया तो मैं किस मुंह से जाऊंगा। जो थैला है वो यहीं खाली होना चाहिए। अल्लाह अकबर। पापा अभी कब्र की बात हुई तो मेरे जहन में जो बेइख्तियार ख्याल आया कि कब्र में जाके कुछ नहीं होगा, कब्र में जाके कुछ नहीं होगा। बात बिल्कुल नहीं है डरने की, सिर्फ खाना पूरी तो होनी है, शर्त हुब्बे अली है मरने की। सुभान अल्लाह। अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे घराने की मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर भी कामयाब हैं और वहाँ पर भी कामयाब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, कामयाबी के लिए जो ना मोहब्बत का होना लाजिम है, लेकिन मोहब्बत जब हो तो एक ही खाने में नफरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नफरत और मोहब्बत दोनों शामिल हो तो मैं समझता हूँ वो घर जो है पाक नहीं है। पाकी नपाकी एक साथ नहीं रह सकती। तो जहाँ मोहब्बत हो वहाँ नफरत नहीं हो, जहाँ नफरत हो वहाँ मोहब्बत नहीं आ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, बड़ा खूबसूरत उनवान है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक हदीस है उसका तर्जुमा हो जाना चाहिए ताकि आवाम को भी समझ आए। एक मोहब्बत ये है कि जिसके जाविये कुलिये हम तय कर रहे हैं कि मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। एक मोहब्बत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक पैमाना कायम किया है। मदीना मुनव्वरा के शहर में एक ईसाई बादशाह का बेटा आता है, वो 3 दिन गुजारता है और गुजारने के बाद जाते हुए रसूलुल्लाह से इजाज़त चाहता है। कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं वापस जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। फरमाया जी हुक्म कीजिए, क्या सवाल है। कहने लगा या रसूल मैंने ये तो देखा है कि आपके ग़ुलाम हैं, आपके सहाबा हैं, आपके अहले बैत हैं, ये तो आपसे मोहब्बत करते हैं, ये होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप ख़ुद भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह है। आप ख़ुद इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने ग़ुलामों से, सहाबा इकराम से, अहले बैत से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाई, 3 वजूहात फरमाया। मैं 3 वजूह की वजह से, वैसे तो मेरे तमाम सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम इस काबिल हैं, उनके अंदर ये सिफात मौजूद हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए, लेकिन 3 वजह से ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो 3 वजह कौन सी हैं। सबसे पहली वजह फरमाई, फरमाया इनके पास गहरा इल्म है, पता ये चला कि तालीम बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 क्या बयान फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा आपस में बेतकल्लफ बहुत हैं, इनमें तकल्लुफात नहीं है। ये नहीं कि किसी को पानी ना मिला, कुर्सी ना मिली, जगह ना मिली तो नाराज़ हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती मस्जिद से बाहर खड़ी है, अंदर मस्जिद भरी हुई है, हुजूर बयान फरमा रहे हैं, अंदर आए तो सारे कपड़े भीगे हुए। फरमाया आपके कपड़े भीगे क्यों हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह अंदर जगह नहीं थी, मैं बाहर खड़े होकर आपका बयान सुनता रहा, इस कदर बेतकल्लफी। तीसरी और आखिरी वजह आपके दिल को लगेगी, वैसे तो सारी बातें दिल को लगनी चाहिए,
क्या फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब दुखी दिलों के तबीब ने, फरमाया मुझे मेरे सहाबा इसलिए अच्छे लगते हैं कि इनकी तन्हाइयां बड़ी पाक है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये तन्हाइयां बड़ी पाक है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें ऐसी मोहब्बतें नसीब फरमा दे। ब्रेक जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और आज हम नवी सहरी पे रवा दवा हैं। बोल नातिया मुकाबला जीतने वाले खुश नसीब को दिया जाएगा इमाम रब्बानी ट्रैवल्स की जानिब से उम्रे का टिकट। जो भी इस को नातिया मुकाबले को जीतेगा उसको दिया जाएगा। थैंक यू इमाम रब्बानी ट्रैवल्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हमारे पास चार लोग हैं जिनका हम आज इस नातिया मुकाबले में वो शरीक हैं। सबसे पहले आइए वो पैकेज देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। बोल नातिया मुकाबले के नवी सहरी के मुकाबले में आज हमारे साथ शामिल है फसीउल हसन वाकेंट से, गुलजार कादरी गुजरात से, हमजा अली राशिद कराची से और मोहम्मद उमर कुरैशी कराची से। अच्छा जी, तो ये चार लोग हैं। सबसे पहले मैं अपने जजेस को खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑलराइट जी, आप लोग तैयार हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह। फसीउल हसन जो है वो वाकेंट से हैं, रिकॉर्ड किया गया है आपके सामने, कोलगेट नातिया मुकाबला आपकी खिदमत में पेश है। आपको ये पता है कि कोलगेट के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये आपको मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन देता है। ऑफ़ कोर्स कोलगेट कहता है कि आप दिन में अगर दो मरतबा ब्रश करेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, अगर आपके दांत मजबूत तो आप मजबूत। जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं और ख़ास तौर पर इस्लामी तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें से बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो बिला शुबा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हम उनका मवाजना या मुकाबला तो कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उनका एक ट्रेट जो है वो हम अपना सकते हैं और वो है उनका स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना। अगर और कोलगेट यही पैगाम लेके आपके पास आया है कि आपने दिन में दो मरतबा ब्रश करना है, कोलगेट इटसेल्फ मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, सो आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। वंस अगेन, अगर आपके दांत मजबूत तो आप मजबूत। थैंक यू कोलगेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फसीउल हसन वाह कैंट से ताल्लुक रखते हैं, आपकी मौजूदगी में उन्हें रिकॉर्ड किया गया है, आइए देखते हैं। मदीने से मोहब्बत हो गई है, मदीने से हो गई है, मेरी बख्शीश की सूरत हो गई है। वाह 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 वाह, मदीने से मोहब्बत हो गई नबी के एक इशारे की बदौलत, नबी के एक इशारे की बदौलत तेरी है शौरत हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरी ये चांद शौरत हो गई है, मेरी बख्शीश की सूरत हो गई है, मदीने से मोहब्बत हो गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अच्छा पढ़ा इन्होंने, लेकिन अंतरा जब उठाएं तो कौन से लफ्ज के ऊपर आवाज़ कितनी उठानी है। मेरे ख्याल में वो महल जो है जहाँ उठाने का, उसको मिस करके दूसरे जुमले पे उठाने की कोशिश की लफ्ज़ पर, जिसको निभाना बड़ा मुश्किल रहा। तो माशाल्लाह ओवरऑल अच्छा पड़ा,
कुछ थोड़े थोड़े सुकम ज़रूर थे, पुख्तगी की कहीं कमी नज़र आई, हाँ, लेकिन इसके अलावा माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने। ऑलराइट जी, रुबाब क्या कहती हैं आप? बहुत अच्छा कलाम का इंतखाब, बहुत अच्छा अदायगी भी अच्छी थी, लेकिन कई जगह पर उतार और चढ़ाव में बहुत कमी थी। सुरों में जब उतार और चढ़ाव आते हैं तो उसको बड़ी मजबूती के साथ दिखाना पड़ता है। बेसुरे नहीं हुए, बेसुरे नहीं हुए, लेकिन उतार और चढ़ाव जो था मुनासिब वहाँ कम था। जी सर, बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी प्यारी आवाज़ है, मरीज ज्यादा रियाजत की। ऑलराइट जी, कलाम बहुत अच्छा था, आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। जी सर, आप डॉक्टर साहब के साथ हैं, आप डॉक्टर साहब के साथ हैं आप। मैं तो उनके कलाम का इंतखाब देख रही थी कि आज जो आपका उनवान है, गुफ्तगू था, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सलमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिर भाई, जिस तरह हमारे उलमा इकराम और बाकी जो रुबाब बाजी ने कहा कि वो उतार चढ़ाव में बहुत कमज़ोर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अंतरे में जो उन्होंने बदौलत के ऊपर आवाज़ लगाई थी वो पूरी नहीं लगी, बाकी उनकी एक तलफ़ुसी गलती है कि उन्होंने बख्शिश पूरा नहीं कहा, हाँ। वो समझ में नहीं आ रहा था, अदरवाइज वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। सर, सलमान के कमेंट से आप आज मुतमईन हैं? मुतमईन है सलमान के। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। हाँ जी जी, हसन, छोटे बहर का कलाम है तो इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती गले को की जो आप परफॉर्मेंस दिखाने की, एक्सरसाइज करने की, हाँ, तो इसमें छोटे छोटे बहर का तो जल्दी से मिस्रा खुल रहा है तो इसलिए वो ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं कर सकते थे, जितना किया बेहतरीन किया। ऑलराइट जी, हमजा अली राशिद साहब, कराची से आपका ताल्लुक है, तशरीफ ले आइए, आ जाइए, करीब आ जाइए हमजा, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइएगा मुझे, इस तरफ इधर जाइए, इधर इधर, बस थैंक यू जी। हमजा कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं सर? स्कूल पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? एट के अंदर है, तो आगे क्या प्लान है? बड़े होके कुछ सोचा है क्या, मैं ये करूँगा ये बनूंगा? एमएम जी, एमएम। ओके माशाल्लाह, आज तैयार हैं आप, दो मिनट आपके पास होंगे, शुरू कीजिए। वाह क्या जूदो करम है शहे तेरा नहीं सुनता ही नहीं कहाँ
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा पढ़ा, लेकिन थोड़ा बास जगह ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मुंह खोलकर पढ़ाए, बास जगह ऐसा लगा कि आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो कहीं ना कहीं कोई मिसिंग है। देखें, कलाम की खूबसूरती ये है कि जब आप एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ पर आएँ तो रब्त बाकी रहे, तो थोड़ा सा कहीं बेरब्त और कहीं पर बेसुर तो नहीं कहूँगा, लेकिन नीचे आते हुए उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई। अंतरा इन्होंने अच्छा, वो स्थाई अच्छी उठाई, अंतरे के अंदर ऊपर जाने में इनको पहली दफ़ा तकलीफ हुई, दूसरी दफ़ा कुछ ज़्यादा चले गए, एक नोट ज़्यादा चले गए, नीचे आते हुए लगता है एक नोट कम है। नात रसूल मकबूल है और ज़ाहिर है हमारी क्या हैसियत कि हम इसको जज कर सकें, इसका हुसन यही है, पढ़ा इन्होंने बहुत अच्छा है, लेकिन इस कलाम की रूह है मिठास, मिठास की कमी थी बस। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन किसी माहिर की निगरानी में कान छान की ज़रूरत है। जी जी, इब्तदा बहुत अच्छी की थी, फिर आखिर में थोड़ा सा जब इन्होंने शुरू किया तो बिल्कुल जैसे लग रहा था स्टूडियो पर इनकी आवाज़ छा गई है, तो ये एक लाजवाब आवाज़ है माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह जी, डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा डॉक्टर, वेरी नाइस। सलमान, स्टार्टिंग बहुत अच्छा था इनका जब इन्होंने शुरू किया, लेकिन अगेन वही बात के बीच में पॉजेस बहुत ज़्यादा लिए इन्होंने, शायद सांस घबराहट थी जिसकी वजह से कलाम थोड़ा ड्रैग हो रहा था, और वही डॉक्टर अंतरे के पहले मिस्र को बहुत अब्रप्ट ख़त्म भी किया इन्होंने। जी, असल में देखें अल्फाज के जो जो नेक्स्ट आने वाले अल्फाज होता है ना, जब बीच में पॉज आप ले लेते हैं तो नेक्स्ट वाले जो अल्फाज होता है उसका मज़ा फिर नहीं आता है, आप इतना ले लेते हैं, तो बाकी वही अंतरे में जब नीचे आ रहे थे तो थोड़ा सा उसमें बेसुरा हुआ है, फिर अगेन इन्होंने लिया, फिर नीचे आते हुए बेसुरा हुआ है, आस्था ही बहुत अच्छी बोल लेते हैं, अंतरा उस तरह नहीं निभा पाए जिस तरह से इस कलाम की मिठास होनी चाहिए। जी सर, साहिर भाई इनके जो सांस है वो बड़ा अच्छा है, कंट्रोल्ड है इनको ना, लेकिन अभी बढ़ती हुई उम्र है जिसमें आवाज़ बदल रही होती है, थोड़ा सा आवाज़ करख्त है, जो नात में जैसे अभी रुबाब बाजी ने भी कहा कि वो थोड़ा सा नरमी के साथ अगर यही पढ़ते हैं तो पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता, ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इनको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। हसन, अवैस ने बिल्कुल सही कहा कि उम्र के उस हिस्से में है जब आवाज़ बदल रही होती, चेंज हो रहा होता है, तो इस वक्त इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि निचले सुरों में बेस में इनकी आवाज़ भर के आ रही थी और ऊपर के सुरों में कहने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, तो इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उस ये अभी चेंजिंग स्टेज में, तो कोशिश अच्छी थी बेटा, आप और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, और एक मशवरा इस उम्र के अंदर मैं आपसे को दूंगा, क्योंकि जो मुझे मेरे वाले साहब ने दिया था कि इस उम्र में अपने गले पर ज़्यादा जोर नहीं देना वरना आवाज़ चेंज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुलजार कादरी साहब को हमने रिकॉर्ड किया है आप लोगों की मौजूदगी में, वो गुजरात से उनका ताल्लुक है, प्लीज वॉच दिस। लगा दीजिए। मोहम्मद में रसाई होगी, जिसकी दरबार मोहम्मद में रसाई होगी। उसकी किस्से सारी खुदाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई लेता हूँ तो आती है
महकते बाकी सांस लेता قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی آلرائٹ جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت پختہ آؤٹ اسٹینڈنگ مارولس اور ان کے پڑھنے میں کہیں کوئی ایرر نہیں تھا کوئی چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں تھیں لیکن پرفیکٹ پڑھا انہوں نے بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ مبارک کو پختگی تھی ان میں فل پیکج سر تال لے اتار چڑھاؤ کلام انتخاب آواز ہر چیز بہتر بہتر اس کو مزید بہتر اور بنایا جا سکتا ہے مزید جی سر ماشاء اللہ جی بہت اچھا پڑھا آگے جا رہے ہیں یہ بالکل بہتر تھا بس کہیں کہیں جیسا کہ جمیل بھائی نے کہا ہے کہ تلفظ میں تھوڑا سا پہلو آ رہا تھا میرے لیے خیال ہے کہ اس آواز کو آگے جانا چاہیے انشاءاللہ میں بالکل ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی اور کا بھی ساتھ دے دیجیے آپ ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتے ہیں جی سلمان اب آپ کے ساتھ اور ماشاء اللہ رچاؤ کے ساتھ پڑھا اور ایک جگہ پہ یہ مہک جب انترے میں انہوں نے کہا تو وہاں پہ ان کا تھوڑا سا ایرر آیا تھوڑا سے بے سرے لگے زیادہ مورکھی کے چکر میں تو باقی انہوں نے بہت اچھا پڑھا لیکن جی لیکن لیکن اچھا پڑھا جی لیکن اچھا پڑھا جی جی اچھا یہاں ایک بحث کیونکہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو احسان بھائی سے بحث ہو گئی ہماری انہوں نے کہا کہ ان کے کلام میرے والد کا پڑھا ہوا کلام ہے اور بڑا مشہور زمانہ کلام ہے علامہ صاحب نے بھی سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے ان کی چوکھٹ پہ جبھی جس نے جھکائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی اس کا جو مکھڑا ہے جو پہلی استائی کی پہلی لائن ہے انہوں نے چینج پڑھی انہوں نے پڑھا جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا غلط نہیں ایسا نہیں دیکھیں اپنا رنگ دکھانا چاہا شاید بس اس کی وجہ میں اس میں ہم اس پہ دیکھیں ایک چیز ہے کلام کا انتخاب جب ہم کر رہے ہیں تو کلام اتنا مشہور زمانہ کلام ہے نا یا تو ہم نے بھی نہ سن رکھا اچھا کیا وہ بے بہر یہ کلام بہر سے بہر نہیں تو پھر اب اس طرح تو کسی بھی طرز پہ کوئی سا بھی انترا فٹ کر سکتے ہیں آپویسلی لیکن وہ بے بہر نہیں پڑھ رہا بہر کی بات ہی نہیں ہو رہی ابھی میں صرف کلام کی بات میں صرف کلام کی بات کر رہا ہوں جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی اس نے سیکنڈ لائن اس کلام کی پھر وہیں آ گئی بات حسان کلیم کر سکتا ہے ان کے فادر کا کلام کیونکہ ان کے فادر کا کلام ہے وہ کلیم کر سکتا ہے دو چیزیں لگیں حالانکہ اس میں کمی نہیں ہے کوئی لیکن کلیم ہو سکتا ہے نمبر جب دیتے ہیں تو انتخاب کلام ہوگا انتخاب کلام کے جب نمبر ہیں تو انتخاب کلام میں جو شاعر نے کلام لکھا ہے اس کے نمبرز ملیں گے اور اس کا اب اس طرح میں ایک شکل ایک ہی راگ کی اس راگ میں اس طرز میں بہت سارے کلام ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم کسی بھی استائی کے ساتھ کوئی سا بھی انترا لگا سکتے ہیں اور الحاج خورشید احمد صاحب نے کیا کمال پڑھا اس کو ان کا جو اسٹائل تھا تھوڑا سا اس سے ہٹایا جس طرح پڑھنے میں کوئی ماشاء اللہ کمی نہیں تھی پڑھنے میں اپنی جگہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوئی لیکن اویس بھائی بات یہ ہے کہ وہ منجے میں نعت خواہ ہیں ان کو ساری سمجھ ہے یہ اتنی بڑا بلنڈر کیسے کر سکتے ہیں بلنڈر نہیں ہے ایسا نہیں کہہ اب انہوں نے اب سنا اس طرح ہے لیکن جو میں بیٹھا ہو سکتا ہے جس کتاب سے پڑھا اس میں یہ لکھا ہو ہو سکتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جن سے اساتذہ سنوں نے ویسا پڑھا ہو سکتا ہے ممکن ہے ایسا بھی ہے سائر بھائی ایک پوائنٹ ہے
अगर ये कलाम रिकॉर्डेड है और ये पहले से इन जजेस के सामने कलाम रिकॉर्ड हुआ है तो ये उस वक्त ही क्यों नहीं उन्होंने इनकी गलती को, क्योंकि उस वक्त हम दे नहीं सकते ना उनको, उस वक्त ये बताया नहीं जा सकता, जिस वक्त ये रिकॉर्ड होता है उस वक्त हम मार्किंग नहीं कर सकते मार्किंग, क्योंकि देखिए अगर उस वक्त मार्किंग करेंगे तो फिर तो सारा तस्वीर नहीं हो सकती थी, नहीं उस वक्त तस्वीर कर ही नहीं सकते ना, उस वक्त तो सिर्फ रिकॉर्ड नंबर्स तो आप यहाँ देंगे इस पोडियम पे देंगे नंबर, उस वक्त अगर तसी करेंगे तो फिर दूसरों के साथ नाइंसाफी है, बिकॉज फिर वो ये रिक्वायर करेंगे कि जी मैं दोबारा पढ़ लूंगा, फिर तो जो बच्चा गलत पढ़ तो फिर वो दूसरों के साथ नहीं, पढ़त अच्छी थी, बहुत खूबसूरत पढ़ा, मीठी आवाज़ है पढ़ने में, माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ा, जो गलती थी मेरी नज़र में और जो वाजे है मिस्टेक तो वो मैंने इसमें मार्किंग बनती नहीं है सान भाई, वो आप देना चाहे नंबर्स दे सकते हैं, मेरा मेरे पास है, बिल्कुल आप बैठे, देखिए जजेस जो फैसला करेंगे होगा तो ऑब्वियसली, लेकिन मुझे अभी मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि मैं अब तक जितनी भी इनको सबको सुन रहा हूँ ये तो बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं ये और बहुत अच्छा पढ़ते हैं सबके सब, लेकिन मुझे लगता है जगह लगाने के चक्कर में ना ये कलाम की खूबसूरती जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जितना आसान जितना सादा पढ़ेंगे, जाहिर है मुर्गियाँ अगर लगाने पे आएँ तो आपके वालिद सब कुछ कर सकते थे, लेकिन किया है और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था जी, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था वहाँ किया, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ नहीं किया, नहीं लगाया, हमेशा मेरा यही पॉइंट होता है कि कलाम की जो रूह है ना उसको हाथ से सुरों के चक्कर में जाने ना दें, उसका हुस्न होता है, बिल्कुल ठीक है, उसकी तासीर है। उमर कुरैशी साहब आपका ताल्लुक कराची से, तशरीफ लाइए। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। अच्छा वैसे भी जो लोग जिन्होंने इन्होंने गुजरात से रिकॉर्ड किया वो वाहकेंड से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको इनको कराची में एक एज यहाँ पर है कि इनके पास माइक्स दूसरे हैं, उनके पास वो वाले माइक्स नहीं हैं, उसके बावजूद भी कैसे उमर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाई आप? मैं भी फाइनल ईयर चल रहा है मेरा एनआईटी यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ मैं बैचलर। ओके वेरी गुड वेरी गुड। आगे प्लानिंग क्या है आपकी? आगे फुल स्टैक डेवलपर बनना है इंशाल्लाह। तैयार हैं? जी जी। दो मिनट आपके पास। अल्लाह ने यूं शान बढ़ा तेरे दर के, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर के, ताज़ीम खुद क्या जिस सुर पे आप पढ़ रहे हैं क्या यही सुर इस नात का था? जी जी। जिस पे आप तैयार करके लाए थे? जी 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 जी। आर यू श्योर? जी जी। अच्छा फिर ठीक है, दोबारा से नात सैयद सलमान को नेस आपने दोबारा से शुरू कीजिएगा ये। अल्लाह ने यूं शान पढ़ा तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, ताज़ीम खुद जा
बिल्कुल नहीं है, वेरी क्विकली जल्दी से बताइए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ फौरन। अच्छा साहब, ये जो इन्होंने तर्स पढ़ी है ना, ये अल्लाह ने तेरी शान बढ़ाई तेरे दर की, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वो खुशखबरी वाली, तो इसको इतना ड्रैग करके और इतनी गमगीन उन्होंने इसमें पढ़ा है कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ये तर्स चुनी क्यों। और कई बार जगह तो ये तर्स याद ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आज इतना नाउम्मीद हो गए हम लोग इनको सुनने के बाद कि क्या किया समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक मशहूर ज़माना कलाम है, इसकी अपनी एक तर्स बहुत बेहतरीन तर्स मौजूद है, और आपने मुझे ऐसा लगता है ये तर्ज आपने खुद बनाई है। सही है, सलमान गुने साहब ने पढ़ी है। अच्छा क्या, लेकिन आपने फिर या तो आप इसको सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए, हालांकि हम इस पे एतराज़ था कि मैंने ओवेस ने आपको बीच में रोका, मेरे नज़दीक वो नहीं सही था क्योंकि आप बिल्कुल ऑकवर्ड शुरू हुए, बिल्कुल ऑकवर्ड शुरू गवाना चाहते थे। चलिए चलिए चलिए, आप फैसला दीजिए। हमजा अली राशिद, आप जरा प्लीज आगे आ जाइए, आप बेटा यहीं रहिएगा, जल्दी वेरी क्विकली फैसला दीजिए। ऑल राइट जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका फैसला आ गया है। आज के पहले कंटेस्टेंट जो अगले मुकाबले में जा रहे हैं, उनका नाम है फसीउल हसन वाह कैंट से। फसी इस वक्त हमें देख रहे होंगे, वाह कैंट से आप आगे जा रहे हैं। इसी तरह से आज के दूसरे कंटेस्टेंट भी आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनका नाम है गुलजार कादरी, जिनका ताल्लुक गुजरात से है, आप भी आगे जा रहे हैं। हमजा अली राशिद साहब एंड उमर कुरैशी, आपका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है बकौल जजेस के, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اسمه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا उन दोस्तों में से थे या हैं जिनके बगैर मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें नहीं की थी. वो बहुत सारी ऐसी बातों को जानता था जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और मैं उसकी बहुत सारी ऐसी बातों को जानता था जिन्हें कोई नहीं जानता. वो हमेशा मुझे भाई कहता था और मैं हमेशा उसे अमजद कहता था. अब बहुत साल गुजर गए लेकिन ये जख्म अभी तक है और ये रहेगा. वो बेहतर जगह में है इसलिए जाहिर है, लेकिन कभी अगर मेरी मुलाकात उससे हुई
तो मुझे पता है मैं उससे तनम फरसूदा ज़रूर सुनूंगा, क्योंकि एक तो उसे पढ़ता बहुत खूबसूरती से था और दूसरा हम दोनों पता नहीं किन मंजिलों में निकल जाते थे। बहरहाल मेरी मोहब्बत अमजद से हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जुनेद भाई, उनको बहुत मिस करता हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, बहुत मिस करता हूँ आपको। अल्लाह ताला आप सब के दर्जात को बुलंद करे। ब्रेक लेते हैं, 2 बजे मुलाकात होगी अफ्तार के वक्त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।